ये है सिम्हाद्रि नायडू। राक्षस तो हर युग में होते हैं और ये इस कलयुग का बकासुर है। पूरे कर्नूल को अपने राजनैतिक दम पर दबा कर रखा है। धीरे धीरे सिम्हाद्रि नायडू की ताकत बढ़ती जा रही है। वो यहाँ राज करने के लिए गरीबों पर अत्याचार करके कब्जा करना चाहता है। अगर कोई भी इसके विरुद्ध जाता है तो उसकी मौत निश्चित है। गुड मॉर्निंग सर। मैंने सुना है रामपुर में एक मर्डर हुआ है। हाँ सर। वो मर्डर वरलक्ष्मी ने किया है, ये केस उसके ऊपर डालो। सर वो मर्डर उसने नहीं किया है सर, पब्लिक में उसका बहुत अच्छा नाम है सर। अगर उसके ऊपर केस करना है तो सबूत बहुत मजबूत होना चाहिए सर। तो जाओ और पक्का सबूत बनाओ। समझ गया सर। ये है वरलक्ष्मी, कर्नूल जिले की बहुत बड़ी उद्योगपति। वरलक्ष्मी के कारोबार और उनकी सफलता मशहूर है। यहाँ की जनता के ऊपर जब कोई मुसीबत आती है तो वो इन्हीं की तरफ भागते हैं। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसने इनसे मदद न ली हो। वरलक्ष्मी की बढ़ती लोकप्रियता और उनका बढ़ता सम्मान राजनैतिक क्षेत्र में सिम्हाद्रि नायडू के आड़े आ सकती है, इसीलिए उसने इन्हें फंसा दिया। वर लक्ष्मी, मैंने कोई गलती नहीं की है, न्याय मेरी तरफ है। जब तक आप लोग मेरे साथ हैं मुझे कुछ नहीं होगा। पुलिस वालों को अपना काम करने दीजिए। ये सब क्या हो गया? हाँ जी प्लीज। अब क्या कह सकती हूँ। हाँ भवानी माँ जी, जितनी जल्दी हो सके लॉयर से मिलने का इंतजाम करो। जी माँ जी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते लॉयर साहब। आप टेंशन मत लीजिए माँ जी, मैंने सब सुना है। वरलक्ष्मी जी कितनी अच्छी हैं, उन्होंने कितने अच्छे काम किए हैं, ये सिर्फ मुझे ही नहीं पूरे जिले को पता है। केस में उन्हें निर्दोष साबित कराने की जिम्मेदारी मेरी है। जिस गोपाल की मौत हुई है वो 3 महीने पहले ही मेरी बेटी के यहाँ ज्वाइन हुआ था पीए के तौर पर। कल रात को अचानक किसी ने उसका खून कर दिया। ये देखकर लग रहा है कि कोई मेरी बेटी को फंसाने की कोशिश कर रहा है, ये किसी की साजिश है। आप ही को उसे बचाना होगा। आप ये क्या कर रही हैं माँ जी, हिम्मत रखिए। मेरे अलावा वरलक्ष्मी जी को बचाने वाला लॉयर कर्नूल में पैदा नहीं हुआ। तेनाली रामकृष्णा BA BL, हर केस में 50% डिस्काउंट। अगर केस हार गया तो 100% कैश बैक। केस दीजिए प्लीज। एक केस देंगे तो दूसरा केस फ्री। ओ तेनाली। हाँ। मेगा मॉल में भी इतने बड़े ऑफर्स नहीं होते भाई। इस मामले में मुझसे ज्यादा होशियार तो तू निकला भाई। मेरे पास अरे गरे केस आते हैं, तेरे पास क्यों नहीं आते? वो क्या है ना, गाय के दूध और बकरी के दूध में क्या फर्क होता है हमारी मासूम जनता जानती नहीं है। मुझे समझने में टाइम लगेगा, अपना टाइम आएगा। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहा है तू। कोई केस वेस आया है क्या? या कैसा केस? बहुत बड़ा केस है। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा केस हो। अरे भाई नारियल चाहे जितने भी हो लेकिन पेड़ तो एक ही होता है ना। कुछ टैंक टैंक में ही रह जाते हैं। तेरा टैंक फटेगा ऐसी मुझे स्ट्रॉन्गली फीलिंग हो रही है सीनू। थोड़ा संभल कर। अरे वो उधर देख, क्लाइंट आ गया है। अरे बाप रे बाप रे बाप। अरे ये रुक क्यों गया? अरे लगता है इसने देख लिया देख लिया। अबे ये तो जा रहा है। सर 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 सर। अरे आप कहाँ जा रहे हो सर? बैंक वालों से जैसे विजय माल्या डरते हैं वैसे आप डर रहे हो। अरे हमें केस फाइल करना है सर। मैंने लॉयर बदल दिया है।
सर लॉयर क्यों बदल लिया? अरे मैं जब नहा रहा था ना तो मैंने अपना इरादा बदल लिया। अरे नहाकर बदलने के लिए ये कोई अंडरवियर थोड़ी है, मुझे लगता है कि आपको अंडरवियर पहनने की आदत ही नहीं है। है? ये आखिर है कौन? ये मुझसे काला या कोर्ट से काला? आखिर कौन है ये बता? रुकिए यार, मैं बात कर रहा हूँ। सर आप इस केस के बारे में फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। इस आर्गुमेंट को मैं पेपरमिंट की गोली की तरह लड़ूंगा। एक बार कोर्ट में मैंने कदम रख दिया तो सारे लोगों की पैंट गिली होती है, और कोर्ट में जज के पास मुझे जजमेंट देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। मुझे नहीं चाहिए। सर फीस ज्यादा है इसलिए फील मत कीजिए, इनके पास बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे। हाँ। आपको अगर ये केस देंगे तो दो केस फ्री सर। अगर पेटीएम पेमेंट करेंगे 50% तो कैशबैक ऑफर सर। बाय चांस अगर ये केस हार गया तो 100% कैशबैक ऑफर। इसलिए तुम्हारे पास कोई केस नहीं आता है विजय? तो अगर वो तेनाली रामकृष्ण आता जो कि नहीं आया, मतलब आप केस जीत गए। जिसे केस लड़ना नहीं आता है उसे केस नहीं देना चाहिए। सही कहा ना? इनसे मिलिए, ये है राधा कृष्ण। आपके केस के लिए ये एकदम सही है। तुम्हारे ऊपर विश्वास करके मैं एक केस तेनाली रामकृष्ण को ना देकर इसको दे रहा हूँ। सिर्फ केस ही नहीं 4,000 रुपए भी देने पड़ेंगे। देते हैं देते हैं। कल मेरे ऑफिस में आकर मिलो, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। अरे सुनिए राज जी, तेनाली से ये केस मैंने छीना है, ये आप उसको नहीं बताइएगा। अरे ये बात मैं उसको क्यों बोलूंगा? ये बात भी सही है। अब मेरा कमीशन 2,000 रुपए। 4,000 रुपए मिले हैं और 2,000 तेरा कमीशन। हाँ सही। हम लॉयर से ज्यादा तो तुम ब्रोकर लोग कमाते हो। ब्रोकर मत बोलिए, चीप लगता है। ब्रो बोलिए, ज्यादा मत बोलो। ये लो 500 रुपए। सिर्फ 500 रुपए? अरे भाई कुछ और दे दो ना, तेरी शक्ल के लिए इतना ही काफी है। कंजूस कहीं का। दिमाग की बैंड बज गई, एक स्ट्रॉन्ग चाय पिला। ठीक है, कब केस आएंगे, कब जीतेंगे, कब बड़ा लॉयर बनूंगा। सुनिए, हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे बाप रे, जी वो कुछ सेकंड आपको यूं ही देखकर यहां से चला जाऊंगा। व्हाट? भगवान ने आपके चेहरे पर कोई मेडिसिन मिलाया है। आपको देखकर लग रहा है कि कोर्ट में जो करोड़ों केस पेंडिंग थे ना, उन सबको एक ही साथ जजमेंट मिलेगा। बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रेस था ना, वो ऐसे ही खत्म हो गया। हेलो मिस्टर, हम कैसे दिख रहे हैं आपको? इनको देख रहा हूँ ना तो दिल को ठंडक महसूस हो रही है। और मुझे जोमैटो में फूड ऑर्डर करने के बाद वेटर कस्टमर के पास आते ना, वैसी लग रही हो। हेलो, मेरे बारे में आप जानते नहीं हैं। मेरी जिंदगी का एम्बिशन कुछ और ही है। मैं चाहती हूँ केस पर केस, केस पर केस, केस पर केस, केस पर केस लड़कर एडी राम जेठमलानी बनना चाहती हूँ, है ना? हाँ। और इसीलिए आप भी लड़कियों का ऐसे पीछा करना छोड़कर लॉयर बनने की कोशिश कीजिए। ओके बाय मिस्टर। सुनिए मिस्टर नहीं, तेनाली रामकृष्णन BA BL। मैं लड़कियों को बिस्किट नहीं डालता, वो तो बस आपको देखकर। अरे सावित्री, सुना है कि कोर्ट में तुम्हारे बेटे को कोई केस ही नहीं मिल रहा। अरे मेरा नंबर है। मेरे भाई के अलावा और कोई बात नहीं कर सकती क्या? अरे चुप कर, पूरे मोहल्ले में यही चर्चा हो रही है, इसीलिए पूछा। वैसे भी तुम्हारे बेटे को लॉयर की नौकरी करने की क्या जरूरत है? हाँ जरूरत है, जरूरत है। मेरे पापा ने कितनी मेहनत करके भैया को लॉयर की पढ़ाई करवाई है। देखना एक दिन मेरा भाई बहुत बड़ा लॉयर बनेगा। अरे माँ 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 माँ, ठहरो ठहरो। अरे मुझे तो ये क्या कर रहे हैं? आओ माँ। अरे स्कूटर। अरे उसे कौन लेकर जाएगा माँ? अरे मैं वापस आ रहा हूँ। बेटा तुझे कोई केस मिला क्या? नहीं ना माँ, कोई तो ऐसा एक गधा है जो मेरा केस छीन रहा है, ऐसा मुझे डाउट हो रहा है। अच्छा? बस मेरे हाथ में केस आ ही जाता है और फिर छिन जाता है। कमिंग गोइंग, कमिंग गोइंग। जो भी लोग तुझसे तेरा केस छीन रहे हैं ना, रास्ते पर चलते वक्त उनका पैर मुड़ जाए और वो गिर जाए, मेरा श्राप है उन्हें। अरे रुक जाओ माँ, कल एक आदमी ने मुझे केस देने के लिए बोला है। ये मैटर मेरे अलावा कोई नहीं जानता। कल ये केस मेरे हाथ से कौन कैसे छीनता देखता हूँ। चलो आओ माँ। सुनिए, उसको केस देना बेवकूफी है। तेनाली को आप केस मत दीजिएगा, टॉस हार गए मतलब केस हार गए। अब आप ही बताइए, आप केस तेनाली को देंगे या फिर इनको मतलब सुभाष जी को देंगे? आपके ऊपर विश्वास करके मैं ये केस तेनाली रामकृष्णा को नहीं दे रहा हूँ, बल्कि इनको दे रहा हूँ। मुझे माफ करो भाई, इसका मतलब आप केस जीत गए। ये कब आया? सब कुछ सुन लिया क्या? आ गया, आने दो। चीयर्स। पापा पापा,
वो सब सुन रहे हैं, तू बोलना। फ्रेंडशिप तोड़ने वाले को देखा है, शादियों को तोड़ने वाले को देखा है, बेटे को मिलने वाला केस छीने वाला पहला बाप देख रहा हूँ मैं। अरे आप मेरे पिताजी हो या फिर मेरे दुश्मन? तुम्हारे केस को फटाफट छीने वाले जीजा जी हैं। अरे कल जिसे मैंने रोड पर गिरने का श्राप दिया था वो तेरे पिताजी हैं। Yes, your honor. Oh my God. भगवान मेरा श्राप कैंसिल कर दो। आहो, अरे वो सारे बड़े केस थे। साइकिल से घंटी चोरी हो गई, स्कूटर से किसी ने पेट्रोल निकाल लिया, एक हीरो की फोटो दूसरे हीरो के फैन ने फाड़ दिया। बस ऐसे ही केस ये लड़ सकता है। बताओ एक लॉयर को कैसा होना चाहिए? लॉयर की तरह मुंह बंद रख, पावरफुल होना चाहिए। हमारा तेनाली जब कोर्ट में बोलना शुरू करे तो ये फिक्स होना चाहिए कि सामने वाला हारेगा, वही होता असली लॉयर। और बाप कैसा होना चाहिए? कोर्ट में जायदाद देनी चाहिए। लेकिन आपने क्या दिया? ये काला कोट और ये खटारा स्कूटर। ए बुढ़वा, खटारा बोला मेरे को? सॉरी सोना, फ्लो में बोल दिया, तू दिल पे मत लेना प्लीज। ए, मैंने तेरा नाम तेनाली रामकृष्णा रखा है, तू भी अच्छा लॉयर बन। अरे बाप रे, देखा मामा जी, जेब में पैसे हो और हाथ में केस हो वो भी लॉयर होता है। जरा बताओ इनको, रिस्पेक्ट चाहिए बोल रहे हैं। पहले ड्रिंक करना कम करने को बोल दो, बीमार पड़ जाएंगे। हमारा तो हो गया, तू पिएगा क्या? छी, बाप के सामने बैठकर ड्रिंक करे ये संस्कार नहीं है मुझ में। रूम में पियेंगे, आ जाओ। क्या यार, तेरी कहानी में मेन विलन तेरा बाप है? हाँ यार, हमारे पास सब छोटे छोटे केस आ रहे हैं, बड़ा केस लड़ने के लिए बोल रहे हैं, बड़ा नाम कमाने के लिए बोल रहे हैं। अरे मैं अपने बाप का नाम लेता हूँ ना तो मेरा पारा चढ़ता है, चढ़ता है, चढ़ता जाता है। डाउन, डाउन, डाउन। यार इस लड़के में कुछ तो मैजिक है, इसको देखते ही सारा टेंशन डुबुक से चला जाता है। चला जा। क्या हुआ, फिर से स्ट्रेस में आ गए क्या? यही तो है, आप थोड़ा सा मुस्कुरा देंगे तो मैं ऐसे ही देखकर यहाँ से चला जाऊंगा। इतना ज्यादा मत सोचो, इसे प्रेस करो, स्ट्रेस चला जाएगा। हेलो, ये कला मेरे दोस्त को नहीं आती है। देखिए लॉयर साहब, मैंने अपनी जिंदगी की एम्बिशन के बारे में आपको बताया है ना, मुझे केस पर केस, केस पर केस, केस पर केस जीतकर इन केस। अगर आपको केस लड़ने का मौका नहीं मिला तो अबे आप लड़की बात करिए ना, तू क्यों बात कर रहा है? अब बोलिए ना। कोई भी सेक्शन हो मैं उसे हैंडल कर लूंगी। कर लो जो करना है कर लो। अरे सीनू, तुझे कुछ सेक्शन पर डाउट था ना? इनसे क्लियर कर ले। ठीक है ठीक है, सेक्शन 302 के बारे में बताइए। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 506 के बारे में बताइए। वो भी एक सेक्शन है। सेक्शन 50। Why? बहुत ही आसान सेक्शन है। सेक्शन 420 के बारे में बताइए। वो भी एक अलग सेक्शन है। इसने कुछ ज्यादा ही पढ़ रखा है भाई, जैसे गरीबों को रहने के लिए फ्री में घर देते हैं ना, लगता है इसे लॉयर की डिग्री फ्री में दे दी गई है। It's okay, मैं एडजस्ट कर लूंगा। Any objection? Objection overrule. मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपका जो दिमाग है वो एक लॉयर का नहीं, बहुत बड़े जज का दिमाग है। जज? तुझे जजमेंट कभी नहीं मिलेगा। चल, उसकी बातें मत सुनना। आप केस पर केस, केस पर केस, केस पर केस जीत कर बहुत बड़ी लॉयर बन जाइए। शुक्रिया शुक्रिया, बाय। बाप रे, जानकी के केस के बारे में क्या हुआ? ए गिरी, कैसे हो भाई, अच्छे हो? हमारा केस कहाँ तक पहुँचा? केस का क्या होना यार, कोर्ट में है। चांद सूरज हो जाए, सूरज चांद हो जाए, लेकिन वो राकेश कुमार केस नहीं जीतना चाहिए सर। कितने भी पैसे खर्चो परवाह नहीं, ये केस मुझे ही जीतना है। अब तक तुमने जितने भी पैसे लगाए हैं ना, सारे मैं निकाल लूंगा। राकेश जी, अरे एक बार लॉयर के हाथ में आ गए ना तो उनको जायदाद जमीन बेचना पड़ता है, आप हिम्मत रखिए। सर हम केस जीत रहे हैं यार। कैसे है वकील साहब, आप वाला क्या बोल रहा था? जो आप वाला बोल रहा है वही मेरा वाला भी। लॉयर साहब फीस वीस के लिए बोल रहे थे, चलो दे ही देता हूँ, मामला खत्म हो जाएगा। अरे ये केस तब आया था जब झारखंड अलग हुआ था तब, उसके बाद दो बार सीएम बदल चुके हैं, उस केस को अभी तक मेंटेन कर रहा हूँ मैं। साहब कहाँ होंगे? सुनिए, गंगा किनारे मैंने एक जमीन खरीदी है, एक और जमीन देखी है मैंने, दोनों मिलकर साथ में खरीद लेंगे हम। हाँ बिल्कुल चलेगा। जनरली वो क्या है ना कि गिरी, अरे अपनी केस के बारे में डिस्कशन कर रहा था मैं, फीस लेकर आए हो क्या? आया हूँ। खून, डंडे से मारूंगा तो खून नहीं निकलेगा तो क्या दूध निकलेगा?
अरे रुक, तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। अरे बचा, अरे आज तेरा मैं सर फोड़ के रहूंगा। रुक 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 जा। नाली, ये टमाटर सॉस सर पर डालकर क्यों घूम रहा है? टमाटर सॉस? हाँ। अरे तेरे में इतनी भी हमदर्दी नहीं है क्या? खून है। अरे बचा, अरे मुझे बचा, मारा लेगा, मुझे मारा लेगा, मारा लेगा, बचा ले, बचा ले, बचा ले, लेके ही दम लूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। प्लीज प्लीज, तू इससे डर रहा है? एक मिनट रुक, बचा ले बॉस। क्या समस्या है आपकी? सर, इसका नाम राकेश कुमार है, इसने डायरेक्टर हिमेश शुक्ला के नाम पे मुझसे 2 करोड़ रुपए हट लिए। हिमेश शुक्ला मतलब? शॉट कैमरा, वही है ना? एक्शन। फिर क्या हुआ बताइए। अरे इसे हिमेश शुक्ला तो क्या, किसी शुक्ला के बारे में नहीं पता। पैसे के बदले इसने मुझे चेक दिया, चेक पे साइन किसका था इसे नहीं पता। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे, कमीना कहीं का। इस केस को डील करने के लिए मैंने इसको रखा, और ये दोनों मिलके मुझे 5 साल से बेवकूफ बना रहे हैं, इसलिए आज मैंने इसका सर फोड़ दिया। राकेश कुमार जी, हाँ जी। हाँ, ये पकड़िए भाई, आप रेडी हो ना? हाँ रेडी हूँ, आइए। हाँ राकेश कुमार जी सर, हमारे बंदे का पैसा क्या है? 2 एकड़ जमीन खरीद ली। अच्छा, इंटेलिजेंट बॉय। उस जमीन की कीमत क्या है अभी? अभी 4 करोड़ है। तो एक काम कर दो, 2 एकड़ में से 1 एकड़ मेरे आदमी के नाम पे कर दो, मैं केस वापस ले लूंगा। बिना पैसे के तुम्हारे पास 2 करोड़ रुपए आ गए समझ लो। एक पैसा भी नहीं दूंगा सर। वो क्या है ना राकेश कुमार, हमारा बंदा बहुत गुस्से में है, अगर तेरा खून कर दिया तो वो वैसा सोचेगा क्या? और अगर मैं ही उसे आइडिया दूं और फिर उसे बचाने की बात करूं तो मुझे भी केस मिल जाएगा ना? यही करना पड़ेगा। यही तो बात है राकेश जी, गुड बॉय। सुनो, इनकी अमानत देने दे दो, आप ये पकड़ो। आप रेडी तो है ना? हाँ रेडी हूँ सर। तो आओ बात करते हैं, आइए। अच्छा देखो भाई, मैं उससे बात कर लूंगा, वो 2 करोड़ तुम्हें दे देगा, केस वापस ले लेते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, 2 करोड़ रुपए का ब्याज, ब्याज के ऊपर का ब्याज, एक एक पैसा वसूल करूंगा उससे, तभी मैं जाने दूंगा। एक दूंगा, और अगर हाईकोर्ट में गया तो क्या होगा? तो क्या होगा? बीपी बढ़ेगा। अब ये सब समस्या नहीं होगी। एक अच्छा आइडिया है, बताऊं क्या? कैसा आइडिया? कॉम्प्रोमाइज, राजी होना। राजी होने वाला राजा से भी बड़ा होता है। अभी मैं राजा हूँ ना? अरे भाई तू राजा से भी बड़ा है, ये अच्छा। बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है, ये पकड़ो। तुम दोनों रेडी हो? एक्शन। ओके भाई ओके। देख लिया, कोर्ट में बहस करके जीतेंगे तो एक ही इंसान जीतेगा, अगर वही कॉम्प्रोमाइज हो तो दोनों की जीत होगी। आज मुझे एक बात समझ में आ गई, अगर दुनिया में कोई चीज होती है तो वो है शांति। आपने जैसे मुझे हक दिलवाया, उसके लिए मैं आपको उपहार देता हूँ। थैंक यू। ये लीजिए, मैं तो आपके साथ ही हूँ। थैंक यू, आप जाइए। हाँ भाई चलो, हीरो की तरह केस सॉल्व करवा दिया। आज एक बड़ी बात समझ गया मैं। क्या? कोर्ट के अंदर जितने भी पेंडिंग केसेस है ना, उन पर कब्जा करके लोगों से कॉम्प्रोमाइज करवाएंगे। कॉम्प्रोमाइज, दिस इज तेनाली स्टाइल। जीजा जी, हमारे पेड़ से पैसे बरस रहे हैं। अरे मुझे ऐसा लगता है कि पीने के बाद मैंने पैसे पेड़ पर छुपा दिए थे, खिलाता हूँ शायद कुछ और गिर गया। हेलो हेलो, अरे पेड़ पे पैसे नहीं लगे हैं, ये आपके बेटे ने गिराए हैं। मैंने कहा था ना, एक दिन मेरा बेटा लाखों रुपए कमाएगा। हाँ, पैसों के साथ रेस्पेक्ट भी कमाता तो अच्छा होता। मतलब कॉम्प्रोमाइज करेगा तो सिर्फ पैसे कमाएगा, और जब तू कोई अच्छा केस लड़ेगा तो रेस्पेक्ट कमाएगा। माँ आखिर ये कैसे आदमी है, रिस्पेक्ट पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ क्यों नहीं, बहुत ज्यादा। अरे मैं एक ब्रोकर हूँ, इसीलिए सब लोग इसे ब्रोकर की पत्नी बोलते हैं। यहाँ के सारे लोगों ने मेरे बच्चों को ब्रोकर की तरह ही देखा है। जब तू एक बड़ा लॉयर बनेगा तो तुझे रेस्पेक्ट मिलेगी, और वो रेस्पेक्ट हमारे पूरे खानदान को मिलेगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा एक बड़ा वकील बने। तो क्या ये गलत है? बताओ कहाँ गलत हूँ मैं? जय हो विष्णु भगवान। अरे बेटी, भगवान से क्या मांगा तुमने? मुझे बहुत बड़ा जज बना दे, ये डिमांड की मैंने डैडी। भगवान से डिमांड नहीं करते बेटी, रिक्वेस्ट करते। अगली बार ये याद रखना। सुनिए जी, हाँ? आप इसे अपने असिस्टेंट के तौर पर क्यों नहीं रखते? अरे कम से कम उसे एक केस तो जीतने दो, फिर असिस्टेंट क्या, सारी प्रैक्टिस उसे दे दूंगा। तुम लोग यहीं रुको, कार लेकर आता हूँ। अरे ब्रेक नहीं लग रहा है, अरे हट जाओ हट जाओ, अरे ब्रेक नहीं है, अरे भाई साहब उठिए। अरे गाड़ी रोक ना, क्या कर रहा है? सॉरी सर, मैं गाड़ी रोक नहीं सकता। पर क्यों? अरे ब्रेक नहीं है ना। अरे क्या क्या बात कर रहा है? हमें कार में ले जाने वाले थे, खुद स्कूटर पर जा रहे हैं। स्कूटर पर नहीं जा रहे हैं, स्कूटर ने डैड को टक्कर मार दी। अरे अरे कहाँ ले जा रहे हो इसे? अरे देखो जब हम लोग, अरे मेरी साड़ी, अरे साड़ी छोड़ो, अरे ये मेरी बीवी, अरे मेरी साड़ी, कोई बचा। हां मैं आ रहा हूं।
अरे 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 कोई मुझे बचाओ। अरे घबराइए मत, घबराइए मत। देखिए ना कैसे मेरी साड़ी खींच ले रही है। अरे बचाइए, अरे कोई बचाओ। आप ठीक है ना? मेरी बीवी को बचाने के लिए मुझे पकड़ लगा। चलो छोड़ो छोड़ो कमीने। सुनिए, सॉरी 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 बहन जी, सॉरी। हालात ने मुझे आपकी साड़ी पकड़ने के लिए मजबूर किया। आई एम जस्ट लाइक योर ब्रदर। भाई होते तो अपनी बहन को साड़ी ला कर देते, ऐसे साड़ी थोड़ी खींच कर ले जाते। मैं मान ही नहीं सकती तो मेरे ब्रदर नहीं हो सकते। अरे चुप करो, ब्रदर नहीं तो तुम्हारा लवर है। तुम घर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। उम्र ज्यादा इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो फोड़ डालता तुझे, समझा? अरे कैसी बात कर रहे हो तुम, गुंडे कहीं के? अरे अरे, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? अगर आपको कुछ हो जाता तो जरा सोचिए मेरा क्या होता। अरे बकबक बंद करो, मैं ठीक हूँ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस बात का ढिंढोरा पीटोगी क्या? डैडी, डैडी आप ठीक तो है ना? हाय, चलिए चलिए रुकिए 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 रुकमिनी जी, सॉरी 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 सॉरी। आपके पापा को मैंने धक्का दिया था, उसके लिए हजार बार सॉरी लिखने को तैयार हूँ। सॉरी लिखकर देने से या कहने से क्या होता है? बिना ब्रेक वाली स्कूटर से कभी भी मार दोगे। रुकमिनी, क्या है ये? तेनाली रामकृष्णा BA BL गीता को साक्षी रखकर कसम खाता हूँ कि आज के बाद बिना ब्रेक की स्कूटर तुम्हारे पापा को क्या, किसी के पापा को धक्का नहीं मारेगी। प्लीज प्लीज। तुम झूठे हो, मैं यकीन नहीं कर सकती। रुकमिनी, ए मुझसे पंगा लेगा तो तेरे लिए रिस्क है, और अगर मैंने तुझसे पंगा लिया तब भी तेरे लिए रिस्क है। तेरा चैप्टर क्लोज कर दूंगी। नमस्ते माँ जी। कल की तारीख है, मेरी बेटी को बेल मिल जाएगी ना? माँ जी मैंने जुबान दे दी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कल वरलक्ष्मी जी को बेल मिलेगी, मतलब मिलेगी। वरलक्ष्मी जी जिंदाबाद, वरलक्ष्मी जी जिंदाबाद, वरलक्ष्मी जी जिंदाबाद। अरे सीनू, क्या कोर्ट के अंदर सारे लोग हंगामा कर रहे हैं? आज वरलक्ष्मी जी की बेल का केस है ना, इसीलिए इतना हंगामा है। Proceed, please. Yes, Your Honor. ये बहुत बड़ी हस्ती है Your Honor. Most influential and dangerous woman. ये एक खूनी है Your Honor. I object, Your Honor. और मैं अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टर्म विद्रॉ करे कि ये खूनी है. And Your Honor, my client is respectable and responsible citizen. और उसके आधार पर ही उनकी फैमिली है. अदालत जब भी चाहेगी वो यहाँ हाजिर होंगे. इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा Your Honor कि उन्हें जमानत दे दी जाए. That's all. 2 लाख डिपॉजिट के आधार पर वरलक्ष्मी की बेल मंजूर की जाती है। ऐसा केस अगर हमें एक बार मिल जाए ना, केस कैसा भी हो हारता तू ही है। अबे सामने से काली बिल्ली गुजर जाए तो अपशगुन होता है, और मैं तो तुझे साथ में लेकर घूमता हूँ यार। मेरी लाइफ में बस ऐसा एक केस आएगा ना, फिर देखना। हमें अपनी फैमिली की हैसियत के मुताबिक सब्जी खरीदने के लिए नौकरों को भेजना चाहिए, हमें इस तरह मार्केट में आना शोभा नहीं देता। अरे ये क्या फिर से ब्रेक फेल हो गया? अब देखो ना, अरे भाई साहब हाथ में लेकर चला। खरबूजा कैसे लिया? अरे मैडम प्लीज प्लीज साइड हो जाओ। अरे साइड हो जाओ, ब्रेक नहीं है। सॉरी सॉरी। अरे फिर से साइड हो जाओ प्लीज। ये तो इसी तरफ आ रहा है लगता है आज फिर। अरे बाप रे, कहीं मेरी लुंगी ना फट जाए। ब्रेक नहीं है, साइड साइड। अरे हो जाओ। कमक मर तो नहीं गई? चलो चलो बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बचाओ कोई तो बचाओ, मुझे बचाइए ना, क्या कर रहे हैं? आ रहा हूं कोई रोको इसे। हां तो हां तो हां दीजिए, पकड़ लिया। खरबूजे और तेरे वेट के चक्कर में मेरी तो जान चली गई। क्यों भैया, खरबूजा कैसे दिए? क्या बोला? मैं तुझे खरबूजे वाला दिखता हूँ? ठेले के साथ खड़े तो और मैं क्या बुलाऊं? स्टूपिड, मुंह बंद रख, क्रिमिनल लॉयर हूँ मैं, चल जाए यहाँ से। दिमाग से पागल है क्या तू? अरे ये तो थैले के पीछे पड़ी है। सॉरी आंटी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, ब्रेक फेल हो गया था इसलिए। देखो तेनाली, पहले मेरे डैडी के साथ, फिर मेरी मम्मी के साथ, अब सिर्फ मैं ही रह गई हूँ बस। चलो
दम है तो मुझे भी धक्का मारो, 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 मारो ना। लड़की ने मजाक में कह दिया तो सच में धक्का देगा? सर इतनी बार बोला, अगर नहीं करता तो फील होता ना, इसलिए तुझे तो मैं इसे तो आप रहने दीजिए, इसे तो मैं देख लूंगी, ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। 702, 506, 103 सेक्शन के तहत केस पर केस, केस पर केस, केस पर केस तेरे ऊपर डालकर अगर कोर्ट के चक्कर नहीं कट पाए तो मेरा नाम बदल देना तू। चलिए डैडी, चल बेटी, अच्छे केस है, कर देना बेटी। सर सारे सेक्शन गलत बता रही है, कम से कम आप तो सिखाइए। अरे तू अपना काम कर, सेक्शन क्या हमें नहीं पता। सुनिए जी, गर्मा गर्म है, जल्दी से पी लीजिए। ये क्या है, मैंने तो कॉफी मांगी थी। क्यों अब चाय नहीं पीते क्या? अब लाई हो तो पीना ही पड़ेगा ना। अब कल बिस्किट मांगूंगा तो डॉगी के बिस्किट मत दे देना। ठीक है, यही करूंगी। आपकी बात मैं कैसे डाल सकती हूँ, कल से ना घर में डॉगी के बिस्किट लाकर रख दूंगी। हाय मामी। अरे यार। हाय डैडी। हाय बेटा। हाय मेरे सोना। बेटी तेरे फेस पे तो कोई मैजिक है, तुझे देखते ही फ्रस्ट्रेशन गुस्सा सब छू मंतर हो जाता है। भगवान ने आपके चेहरे पर कोई मेडिसिन मिलाया है, आपको देखते ही बॉडी का सारा स्ट्रेस यूं ही चला जाता है। और बीवियों को देखते ही सरदर्द। मैं सरदर्द हूँ आपके लिए? सिर्फ सरदर्द ही नहीं, पैर दर्द, नाक दर्द, गला दर्द, बॉडी दर्द, सब दर्द तुम ही हो। और कुछ बताऊँ क्या? इन सारे दर्द के साथ प्रेगनेंसी का दर्द भी सहा होता ना, तब पता चलता मैंने कितना बड़ा एहसान किया है आप पे। कोर्ट में बहस करके जीत सकते हैं लेकिन बीवी से नहीं, बाय चांस दिमाग खराब करके जीतना चाहो तो भी नहीं। रिलैक्स मामी, रिलैक्स डैडी, मैं जॉगिंग करके आती हूँ। हाँ जाकर आ जा बेटी। श्वेता, उस सिनाली ने सच कहा था, मेरे फेस में पावर है। अरे, वो ओवर कर रहा है और तू उससे भी ज्यादा ओवर कर रही है। नहीं यार, मेरे डैड ने भी यही कहा। अभी फोन क्यों किया? सुनिए जी। क्या है बोलो। देखिए शाम को आकर आपको खाना बनाना पड़ेगा। ए, तुम्हें रोज घर में बैठ कर टीवी देखने का, किटी पार्टी करने का, शॉपिंग करने का टाइम है, लेकिन कभी मुझे एक प्याला चाय बना के दी हो क्या? दिन भर काम करने के बाद थक जाता तो पैर दबाई हो क्या? देखिए शादी वाले दिन आपके पैर पकड़े थे ना तो मेरे पैर में दर्द हुआ था, आपको कहीं भी हाथ लगाऊं तो दर्द मुझे ही होता है। ए, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर रात को खाना नहीं बनाना तो बेडरूम के अंदर नहीं घुसने दूंगी। यहाँ अगर मैं चाहूँ ना तो रोज अलग अलग तीन बेडरूम में अलग अलग टाइम पे सो सकता हूँ, समझी क्या? अगर इस तरह से बात की ना मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। माँ के घर जाएगी तो जा 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 ना, आई एम वेटिंग। अंकल क्या है, क्या है? आप बहुत स्ट्रेस में हैं शायद। नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, साथ में चलोगी क्या? आओ आओ चलो। गुस्सा मत कीजिए अंकल, आपका सारा स्ट्रेस खत्म कर दूंगी। कैसे? कुछ देर तक आप मेरी आंखों में आंखें डालकर देखिए, आपका स्ट्रेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मेरी आंखों में देखने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? लगता है तुम्हारी आंखें निकाल लूं। बताओ आदमी को गुस्सा क्यों आता है? तुम औरतों की वजह से। अगर थोड़ी देर और रुकी ना तो बीवी का सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल दूंगा। चलो जाओ यहाँ से। ओम शांति शांति। ओम शांति। तीनाली। एक सिंपल केस आया है, सिविल केस है ये, तो डेफिनेटली इस केस को कॉम्प्रोमाइज करा सकता है, लेकिन इस केस का क्रूशियल पॉइंट ये है कि रुक्मिणी जी, कॉफी चाहिए या चाय चाहिए? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आई हूँ? देखिए जुआ खेलेंगे तो पैसा जाएगा, ड्रिंक करेंगे तो किडनी जाएगी, आप सामने रहेंगी तो बॉडी का सारा स्ट्रेस चला जाता है। अरे तुम्हारा ये जो खुल गया दिमाग है ना। गालियां मत दो। तुमने कहा था कि मेरी आंखों में देखने से स्ट्रेस चला जाता है, और उस अंकल को जब मैंने ऐसा कहा तो आंखें दिखाई। क्या दिखाया? आंखें दिखाई बेवकूफ, आंखें दिखाई। और वो अंकल तो मेरी आंखें दिखाने की बात कर रहे थे। देखिए हर किसी को आपको देखकर स्ट्रेस खत्म नहीं होगा, अगर मैं आपको देखता हूँ तो मेरा स्ट्रेस चला जाता है। हो सकता है कि कुछ दिनों तक मुझे देखने के बाद आपका स्ट्रेस चला जाए, ऐसा हो तो कितना अच्छा है ना। ट्राई करते हैं क्या एक बार? चल रहे। चलिए बोलिए क्या प्रॉब्लम है। इसने मेरे पति से दूसरी शादी की है, चीटिंग की, इसने मुझसे कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है और डेटिंग में वोटिंग हो गई। ये वोटिंग नहीं, क्रॉस वोटिंग है। तू अपना मुंह बंद रख। प्रशांत जी आप क्या बोलना चाहते हो? मेरे लिए तो दोनों ही ओके। अच्छा बॉस, ये बच्चे नहीं है, जो दो हो गए तो चलेगा, बीवियां बीवियां, कोर्ट नहीं मानेगा। तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है? 3 दिन इनके साथ रहो और 3 दिन इनके साथ रहो। तो फिर संडे किसके साथ रहो? हमारे साथ रहो और क्या।
अरे एक दिन तो खुश रहो सर। ये शांति से नहीं रहेगी, इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, इससे मेरी हाय लगेगी देखना। अरे ये क्या समझती है, इसकी जिंदगी मैं कभी सुख से नहीं रहने दूंगी। अरे राम, ये सर यहाँ पे क्या चल रहा है? ये तेनाली रामकृष्ण है ना, कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं वो बाहर कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। आप जानते हैं सर, ये दुर्गा राव का बेटा है। हाँ, जो इंसान केस लड़के नहीं जीत सकता वो ऐसे कॉम्प्रोमाइज करवाता है। वेस्ट फेलो, वर्स्ट फेलो, भगवान बचाए ऐसे लोगों से। चलो अच्छा देखिए प्रशांत जी, अगर दोनों बीवियों के साथ रहोगे ना तो आपको अंदर किया जाएगा। सोचा था हंसी खुशी ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसे तो मेरी वाट लग जाएगी। रुक रुक। तो एक काम करो, जो भी केस वापस लेगा ना उसे 1 करोड़ रुपए देने की बात करो। क्या घर में रिश्वत देके सेटलमेंट? रिश्वत के बिना कहीं काम होता नहीं है प्रशांत जी। रिश्वत सेटलमेंट, इट्स एन अगली डर्टी कंसेक्यूटिव प्रोसेस। राइट, आप जैसे बोलते हो ठीक। चलिए देखिए बहनों, जो भी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार होता है उसे 1 करोड़ रुपया मिलेगा। 1 करोड़ रुपए? मैं तैयार हूँ, करोड़ देंगी तो मुझे भी मंजूर है। अरे वाह वाह वाह, करोड़ मिलेगा तो सुहाग भी नहीं चाहिए। तुम लोगों में किसी का बच्चा है क्या? मेरी एक बच्ची है। देखो बहन, आपको जरूरत हो या ना हो पर बेटी को बाप की जरूरत है। आपका पति के साथ रहना ही करेक्ट है। और तुम सुनो, तुम्हारे साथ अन्याय ना हो इसलिए तुम 1 करोड़ रुपया ले लो और ये केस वापस ले लो। ये लड़ना छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, यही अच्छा होगा। चल। अरे ये तू यूं कहां लेकर आई है मुझे? तेनाली रामकृष्ण की तरह मैं भी इस केस को बड़ी होशियारी से बाहरी कॉम्प्रोमाइज करवाऊंगी। अच्छा, तेनाली के पास कितना दिमाग है, तेरे पास है क्या? हाँ, तेनाली के पास जो है उसे दिमाग कहते हैं और मेरे पास जो है उसे क्या कहते हैं? तो यहीं रुक, मैं भी आती हूँ। रुक 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 रुक, मैं भी आती हूँ। जरूरत नहीं है, उन्हें फोन किया था तो उन्होंने मुझे अकेले आने के लिए कहा है। एकदम सही कहा है तूने, बहुत सही बात है। हाय हाय हाय, क्या बात है सर, आज आप लोग सुबह सुबह ही शुरू हो गए। एनीथिंग स्पेशल? तुम यहाँ आ गई हो यही स्पेशल है हमारे लिए। आपने दूसरी शादी करके उस लड़की को छोड़ दिया तो उस लड़की ने आप पर केस किया है। एक लड़की के साथ धोखा करना गलत है ना सर? इस केस में कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए यहाँ आई हूँ। कैसे करवाओगी तुम? कर्नल बॉर्डर के पास जो आपकी 20 एकड़ की जमीन है उसे उस लड़की को दे दीजिए और खर्च के लिए बस 5 करोड़ दे दीजिए, मैं उसे कॉम्प्रोमाइज करवा लूंगी। हाँ भाई, जरा तुम लोग बाहर जाओ। रहने दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके सामने रेप करने में मुझे शर्म आती है। सर, अगर मुझे कुछ किया ना तो बहुत बड़ा केस हो जाएगा। तो तुम हो ना कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए। कितना स्ट्रॉन्ग पीते हो यार, इस तरह स्ट्रॉन्ग पियोगे तो किडनी खराब होगी। ये लो, इसमें पानी मिला कर लाओ। सुनो, जानती हो मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। अच्छा चलो ठीक है, बस एक बार मुस्कुरा दो, मेरे अंदर का सारा स्ट्रेस निकल जाएगा। अरे अब जरा हंस भी दो। अरे क्या हुआ, शर्म आ रही है क्या? अरे क्या भाई, हंस क्यों नहीं रही है? मेरे लिए मुस्कुरा दो। सॉरी भाई, जब ये मुस्कुराती नहीं है ना तो मेरा टेंशन बढ़ जाता है। प्लीज यार एक बार मुस्कुरा दो ना, प्लीज 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 एक बार हंस दो ना लाइटली। ओहो हो, लगी तो नहीं ना भाई साहब। अच्छा आप ना हमारे लिए मत हंसिए, इनके लिए कम से कम एक स्माइल तो कर दीजिए। Oh,
दीदी मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, दीदी जीजा जी हमारी जान निकाल लेंगे, एक बार हंस दो दीदी, एक बार हंस दो। मैडम एक बार हंस दीजिए मैडम, नहीं तो ये हम सबकी जान ले लेगा। मैं क्या हंसू सर, मेरी बीवी भी मेरी मुस्कान देखकर हंस गई थी सर। एक मॉर्निंग तुम्हें दिमाग नहीं है, कौन बोला तुम्हें यहाँ आने के लिए? अब एक बात मेरी ठीक से सुन लो, तुम बहुत अच्छी हो। अरे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा बताओ? सिविल केस में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, क्रिमिनल केस में नहीं। उस पर बीवी का केस ही नहीं है, रेप केस मर्डर केस भी काफी है उसके लिए। क्रिमिनल्स मस्ट बी पनिश्ड, आया समझ में? चलो चलो। जब भी देखता हूं तो मेरा बॉडी स्ट्रेस खत्म हो जाता है, पर अभी ना स्ट्रेस बढ़ रहा है। क्यों? पता नहीं। मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। आई लव यू। सर जरा ये वीडियो देखिए, लड़की ने अपने बाप के सामने लड़के को किस किया। कलयुग है सर, घोर कलयुग है ये, देखिए ना सर। अरे सर मार क्यों रहे हो सर, मैंने कुछ नहीं किया, लड़की ने किया। पांच लाख दीजिए सब ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा है ये, पहले केस को निकाल दिए भाई। सर चक्रवर्ती सर बुला रहे हैं, आता हूँ सर। सर सर नमस्ते सर। तुम्हारा नाम? मेरा नाम दुर्गा राव है सर। बेटे का नाम तेनाली राम कृष्णा, इस कोर्ट में लॉयर है। मेरा सपना है सर कि वो आपके जैसा बड़ा लॉयर बने। कौवा और हंस दोनों हवा में उड़ते हैं लेकिन दोनों कभी एक नहीं हो सकते। तुम्हारा बेटा भले ही लॉयर हो लेकिन वो मेरे बराबर नहीं हो सकता। नो। और हाँ पहले भी तू झूठी गवाहियां दिया करता था ना? हाँ सर। और अभी तो छोटे छोटे घटिया केस वकीलों को दिलवा कर उनसे कमीशन लेता है, यानी ब्रोकर का ही काम कर रहा है तू। मैं सच कह रहा हूँ ना? हियर जस्ट वन मोर कंफ्यूजन, ये बता ऐसे ही घटिया काम तेरे घर की औरतें भी करती हैं क्या? Hey! बहुत गुस्सा आ रहा है ना? मैंने ऐसी क्या गलती की जो आपने मारा? तेरा बेटा मेरी बेटी को यहाँ वहां घुमा रहा है तो सोच मुझे कितना गुस्सा आएगा कमीने। दो फैन चलने से ज्यादा बिल आएगा ये सोचकर तेरी फैमिली एक ही फैन के नीचे सोती है, ऐसी हैसियत है तेरी। और हम अपने डॉगी को भी एसी में सुलाते हैं। ब्रोकर का बेटा ब्रोकर ही रहेगा, तेरा बेटा कॉम्प्रोमाइज करवा के तेरे ब्रोकर की परंपरा को बरकरार रख रहा है। अपने बेटे को मेरी बेटी से दूर रहने के लिए बोल दे, उसकी उम्र बढ़ जाएगी। मैं तेरे बेटे को मारना नहीं चाहता लेकिन अगर उसकी जरूरत पड़ी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा पापा बहुत रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट की बात करते हैं ना, रिस्पेक्ट पीने वाली ड्रिंक लाया हूं मेरे पापा के लिए प्यार से। क्या हुआ कॉस्टली फील हो रहा है क्या? सब मिलकर पियेंगे मामा, बोल दीजिए इनको।
सबने मुंह क्यों बना लिया है? सोचा था तेरी वजह से मुझे इज्जत मिलेगी, लेकिन चली गई। मुझे कितना गुस्सा आएगा कमीने, एक फैन के नीचे पूरी फैमिली सोने वाली हैसियत है तेरी। तेनाली कहां जा रहा है? ब्रोकर का बेटा हमेशा ब्रोकर ही होता है। अरे बगीचा तो बहुत सुंदर है यार। मेरे डैड को किसी ने गिफ्ट किया है। हाय तेनाली। रुक्मिणी, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? बैंगलोर हाईवे पर हमारे आम के बगीचे में हैं। मैं अभी आ रहा हूँ। ए तेनाली आ रहा है। ए, चा, बगीचे चा, में कोई नहीं है, जरा संभल कर। कोई नहीं है इसीलिए तो तू जा ना। ओके 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 ओके। तेनाली, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? नहीं है तो मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? ये बगीचा तुम्हें दिखाने के लिए। ये घटिया बगीचा मैं देखने आऊँ? कहाँ है तुम्हारे पापा? दुनिया की नजर में मैं वरलक्ष्मी जी का लॉयर हूं। सिर्फ इस आम के बगीचे को ही पता है कि मैं आपका लॉयर हूं। किसी पत्रिका के जर्नलिस्ट को मार दिया, इसीलिए उसे फंसाने का प्लान किया है। आप ही ने तो कहा कि वरलक्ष्मी को केस में फंसाओ। उसकी तरफ से केस लड़कर मैं उसे सजा दिला कर रहूंगा। मेरे हाथों केस फाइल करवाकर आपने अपने लॉयर से मुझे मिलवाया। अरे जिस खून को वरलक्ष्मी ने नहीं किया उसके लिए मैंने दो फॉल्स विटनेस तैयार कर लिए हैं। बेचारी वरलक्ष्मी इसके भरोसे केस जीत जाएगी ऐसा सपना देख रही है। अरे हमारे क्रिमिनल लॉयर उसे कभी जीतने नहीं देंगे। वरलक्ष्मी को तो मैं सजा दिलवाकर ही रहूंगा। एंटायर कर्नूल में आपका ही राज होगा। सर आप ऐसा करोगे इसीलिए तो मैंने आपको ये 80 एकड़ वाला आम का बगीचा दिया है। अगर इस केस को जीतना है तो आई विटनेस तुम और तुम्हारी वाइफ, जो भी झूठ कोर्ट में बोलेंगे जज साहब को मानना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी परिस्थिति में वरलक्ष्मी को सजा मिले इसके लिए हमारे अशोक कुमार बहुत जोश में हैं। और मैं सब कुछ पता होने के बावजूद अनजान बना रहूंगा। कोर्ट में क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश करूंगा। तब तक वरलक्ष्मी को सजा हो जाएगी। केस ओवर, फाइल क्लोज। क्या बात है, कर्नूल के सारे क्रिमिनल सही की जगह जमा हो गए। ए रुक्मिणी इधर आ। आपके लिए सारी रिस्पेक्ट खत्म हो गई डैड। कमाल है, एक आम के बगीचे के लिए अपना सारा ईमान धर्म बेच दिया और तू मेरे परिवार के बारे में बात कर रहा था। हाँ बिल्कुल, मेरे पापा ब्रोकर ही सही, तेरी तरह घटिया इंसान तो नहीं है। ये तो सच है कि हम पूरा परिवार एक ही फैन के नीचे सोते हैं, पर तेरे जैसा नीच काम करके एसी नहीं खरीद सकते, हमसे तो नहीं होगा। और क्या बोला था मेरे पापा को? ब्रोकर का बेटा ब्रोकर ही होता है और तेरा बेटा कॉम्प्रोमाइज करके जी रहा है, ये बोला था ना। सर ये ऐसा गिरा हुआ संबंध तो मुझे नहीं चाहिए भाई। तेनाली सुनना पड़ेगा। और सुन, तेरे जैसे घटिया इंसान कितने भी बाहर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वरलक्ष्मी जैसी एक अच्छी और नेक औरत जेल के अंदर नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। और ये तेनाली जाने देगा भी नहीं। इस लड़के का मैच्योरिटी लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। वकील साहब आप हमारे एक और मर्डर केस लड़ेंगे क्या? किसका? ये तेनाली रामकृष्ण बीएबीएल को अभी नायडू जी यहाँ जान से मारी दें। जाकर मारो उसको। ए, तुझे इंटरव्यू देना है जो अकेला जा रहा है, सब एक साथ जाओ। मार डालो उसे। चारों तरफ से घेर के मारो उसे। हाँ
इतनी सारी बिरयानी खाते हो, रात को फुल पीते हो, मारो उसे। रुक्मिणी बैठ जाओ। रुक्मिणी अगर उसके साथ गई तो तेरे पैर तोड़ दूंगा मैं। वकील साहब, आपकी बेटी भी मेरी और आपका केस भी मेरा। अब तक मुझे केस में कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखा होगा, पर इस केस में नो कॉम्प्रोमाइज। रुको, बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग मैम। आइए लोहे साहब, बैठिए। थैंक यू मैम। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग छोटा सा डाउट है। तेनाली रामाकृष्ण नाम का लॉयर है, आप उसे जानती हैं? मैं नहीं जानती, कौन है वो? जस्ट लाइक ए टिश्यू पेपर, नॉट इम्पोर्टेंट। सो कमिंग टू योर केस मैम। केस हम ही जीत रहे हैं ना? नहीं मैम, हम हार रहे हैं। लॉयर साहब, हम जानबूझ कर केस हारेंगे मैम। पर हम केस हारेंगे क्यों? आपके ऊपर जो केस डाला है उसे इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। कैसे? कोर्ट में आप केस हार जाएंगी, पुलिस आपको अरेस्ट करेगी। आप लोगों के बीच आ रही हैं अच्छे काम करने के लिए। आप मीडिया से ये कहेंगी, कुछ पत्रकारों को और कुछ मीडिया वालों को अपनी तरफ करने के बाद हम इस न्यूज को अपनी तरह से छापेंगे। हो सकता है कि इस बीच आपको जेल हो जाए और लोगों का आक्रोश आपके लिए बढ़ जाए, पर यह सुनहरा मौका होगा जिससे आपका प्रचार पूरे शहर में होगा और फिर बाद में आपकी बेल हो जाएगी। फिर मैं आपको केस से बाहर लाऊंगा और आप एमपी का इलेक्शन लड़ेंगी और पूरे मेजॉरिटी से आप जीतेंगी। जेल जाने से मेरे करियर पर धब्बा नहीं लगेगा? जेल जाने के बाद आपका पॉलिटिकल करियर सीमेंट के पिलर की तरह मजबूत होगा, ये मेरा वादा है मैम आपसे। ओके लॉयर साहब, मैं आप पर विश्वास करती हूँ। बोलिए वकील साहब। कोर्ट में वरलक्ष्मी अपने आप को सरेंडर करेगी और जेल जाने के बाद ऐसी परिस्थिति में वो तेनाली कल कोर्ट ना आने पाए इसका ख्याल रहे। नहीं आएगा, आने नहीं दूंगा। अरे रुको रुको रुको, अरे रुको रुको रुको, रुक जाओ, जाने दो। तेनाली कहाँ है? घर से तो निकल गया, आना ही चाहिए उसे। क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया तो वलक्ष्मी जी को अरेस्ट कर लेंगे। अरे समय हो गया, अभी तक जज साहब क्यों नहीं आए? रोज कोर्ट आने से पहले वो मंदिर जाते हैं। क्या हुआ लॉयर साहब, आप टेंशन में लग रहे हैं? ऐसा नहीं है मैडम, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया तो ये काम हो जाएगा। एक्चुअली आज लेट तो हो रहा है, पता नहीं आज ये। अरे कार निकालना, कोर्ट का टाइम हो गया। ठीक है सर। फोन करो, जल्दी करो ना। फोन का सिग्नल काम नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? नायडू साहब, जज साहब की गाड़ी आ गई है, अब हम केस जीतेंगे, वरलक्ष्मी जेल जाएगी, अब आप खुश हो जाइए। जज साहब मुझे कितना प्यार करते थे, अब मैं क्या करूं? अरे पागल, तू अपने आप से बातें कर रहा है? जज साहब कहाँ है? जज साहब कभी मुझे ड्राइवर की तरह नहीं देखे सर, अपना कजन ब्रदर मानते थे। मैं पूछ रहा हूँ कि जज साहब कहाँ है? जज साहब को किसी ने किडनैप कर लिया सर। जज साहब मुझे कितना प्यार करते थे। फोन का सिग्नल काम नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे?
तेनाली ने पहले ही कहा था कि अगर कोर्ट नहीं आ पाया तो क्या करना है। अगर कल मैं कोर्ट में 10 बजे तक नहीं आया तो फिर क्या? तो हम जज साहब को किडनैप कर लेंगे। किडनैप? सॉरी, किडनैप? किडनैप? पर जज साहब को किडनैप कौन करेगा? अरे कार निकालना, कोर्ट का टाइम हो गया। ठीक है सर। अरे कौन है तुम लोग? फैंस हो तो किडनैप करोगे क्या? चांस लेना है तो प्रभास के पास जाना। हम आपके फैन हैं। अरे मेरा कौन सा फैन है? अरे क्या करो? अरे नहीं नहीं सुनो। अरे अरे ये बताओ, मेरा किडनैप क्यों किया? अपने बॉस की आंखों में खुशी देखने के लिए। अरे बॉस की आंखों में खुशी देखनी थी तो उसे खुशी देनी चाहिए थी, मुझे किडनैप करने से क्या फायदा? ये बताओ कि तुम्हारा बॉस कौन है? क्या? अपना बॉस कौन है तुम्हें पता नहीं? अरे मुझे कैसे पता चलेगा? अरे वो कौन सा बड़ा फिल्म स्टार है जो मुझे पता चलेगा? खामोश। वेट, फोन पे बात करके आता हूँ। एग्री, क्या हुआ? किडनैप सक्सेस। सुन, जज साहब को ना बहुत प्यार और इज्जत के साथ रखना उन्हें। अरे इज्जत देने में मैं धर्मराज से भी बड़ा हूँ, मेरे ऊपर छोड़ दो। ओके, तेनाली। नॉइज पोल्यूशन। सर कुछ नहीं हो सकता, आपको मेरी सुननी पड़ेगी। लॉयर साहब, ये कौन है? मैडम, मैं तेनाली रामाकृष्णा, BA BL। सर ने मेरे बारे में आपसे पूछा होगा ना? तेनाली रामाकृष्णा नाम का लॉयर आपसे मिला था क्या? टिश्यू पेपर। जी हाँ मैडम, वो टिश्यू पेपर मैं ही हूँ। मैडम मेरे बारे में आपको शायद पता नहीं, लेकिन आपके बारे में मैं सब जानता हूँ। मेरी लॉयर साहब से कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, ये सब मिलकर आपको फंसा रहे, बस यही प्रॉब्लम है। मुझे फंसा रहे हैं? अरे क्या लॉयर साहब, आपने बताया नहीं। तेनाली, तुम बोलो। मैडम ये सही है? मैडम वहाँ पर देखिए, कौन बनेगा करोड़पति में कौन 1 करोड़ रुपया जीत लेगा, ऐसी ऑडियंस की तरह शक्ल लेकर जो वहाँ पर खड़ा है ना, वो है। और वो देखिए, रात में शराब की बोतल कहाँ से मिलेगी ये सोचकर इंतजार करने वाला वो आदमी, और ये बाहर से व्हाइट एंड व्हाइट क्यूट मिल्की बॉय की तरह दिखने वाला ये आदमी, तीनों मिलकर आपको मर्डर केस में फंसाने का प्लान कर रहे हैं। इसलिए 80 एकड़ का आम का बगीचा इन्होंने वकील साहब को दे दिया है। ये रहा प्रूफ, इसी पेपर। मैम इसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, झूठ है ये। अगर आप केस हारना चाहती है तो हार जाइए, बेल भी दिलाने की बात की होगी। सिम्हाद्री नायडू इस शहर से आपका नाम मिटाने के लिए आपको इस केस में फंसाना चाहता है। 10 लोगों को खाना खिलाने वाला हाथ किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ता, हथकड़ी पहनाता है। वकील बनकर किसी की हेल्प नहीं किया तो क्या किया? इन्हें जेल में मत भेजिए। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, आगे आपकी मर्जी। चक्रवर्ती जी, आप ये केस छोड़ रहे हैं, एक NOC लेटर भेज दीजिए। मैम लेकिन ये इस तेनाली की पूछ पकड़कर आप कैसे केस जीतती हैं ये मैं भी देखता हूं। अरे उस कंटेनर में से बाहर कैसे आया? उस तेनाली ने मोबाइल फोन जूते में छिपाया हुआ था, फिर उसने ऐप से बिरयानी का ऑर्डर दे दिया और स्विगी बॉयज वहां पर पहुंच गया, उन्होंने गाड़ी को रोक दिया। अब हम क्या करें भाई? तुम लोग भी मटन बिरयानी की ऑर्डर दो और पेट भर कर खाओ, जाओ। अरे ओ गधे, हर किडनैप के पीछे कोई वजह और कोई डिमांड होती है, तेरी क्या डिमांड है? बोलना, उसके बाद मरना। बॉस से पूछना होगा। अरे कौन है तेरा बॉस? बोल उसको सामने, मैं उसकी तो मैं हाँ रुक जाता हूँ। हाँ बॉस, केस आगे चला गया है, जज साहब को छोड़ सकते हो। दर्जी मिल गया। हुँ?
फिर मैंने किडनैप किसको किया? ठीक है तू फोन रख। क्या हुआ? अब बताता हूँ। सर आप कपड़े काटने वाले दर्जी नहीं है क्या? अरे मैं कपड़े काटने वाला दर्जी नहीं हूँ, अपराधी को सजा सुनाने वाला जज हूँ। सॉरी सर, दर्जी समझ के आपको किडनैप कर लिया सर। हु? मेरे दोस्त की बहन की शादी में 3 लाख के कपड़े सिलेगा ये कहकर वो 3 लाख रुपए लेके भाग गया था। मैंने वही समझ के आपको किडनैप कर लिया। छे, छे, सारी मेहनत बेकार हो गई। अरे हाँ। तूने मुझे जज समझ के किडनैप किया ना, उस बात का मुझे जरा भी दुख नहीं है, लेकिन तूने मुझे दर्जी समझ के किडनैप किया, ये सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। अभी मैं आपको किडनैप से रिलीज करता हूँ, आप जा सकते हैं सर। छतरी देना प्लीज। ये लीजिए जी। ए सुन, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए। क्या? कि तूने मुझे किडनैप किया है, ये बात किसी को बताना मत। ट्राई करता हूँ। मैं कुछ भी बोलकर मैनेज कर लूंगा कोर्ट में। ए, चलो रे। बोलो। वरलक्ष्मी जी का केस अब आगे चला जाएगा ना? हाँ चला गया। वरलक्ष्मी जी का केस तुम्हें मिल जाएगा ना? मिल तो गया। नेक्स्ट हमारी शादी के लिए लाइन क्लियर हो गई है ना? क्लियर हो गई है। शादी होने के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरी चलेगी। आई एम द क्वीन। और मैं गुलाम। आप तो वरलक्ष्मी के बगल में खड़े होकर कटप्पा ने जैसे बाहुबली को मारा था, वैसे आप उसे जेल में डालना चाहते थे ना? तेनाली एन मौके पर आ गया और हमारा सारा प्लान खराब कर दिया। हमारा एटम बम फुस्सी बम बन गया। अरे हमारे जैसे समुद्र के सामने वो बस एक छोटी सी मछली है। उस तेनाली को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। फॉल्स विटनेस को हमें अच्छी तरह तैयार करना होगा। श्योर सर, कल मैं गवाहों को आपके घर लेकर आऊंगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये मेरी धर्म पत्नी है। हाँ, लेडी विटनेस है ना? हाँ सर। ठीक है बैठो जी। कल कोर्ट में जो तुम गवाही देने वाले हो पक्का होना चाहिए। सामने वाला लॉयर कितना भी कंफ्यूज करे, कॉन्फिडेंट होकर सारे सवालों का जवाब देना, तभी उस वरलक्ष्मी को सजा मिलेगी और हम सब लोग बाहर निकल पाएंगे। कल कोर्ट में तुम्हें क्या कहना पता? मैं और मेरे पति कल कोर्ट में आएंगे। आपने जैसा बोला है वैसा बोलेंगे। ये तो गाना गा रही है। मेरी बीवी बातें करते समय भी गाती रहती है। ऐसा क्या? सर गाने की प्रॉब्लम है, लेकिन गवाही परफेक्ट देगी। हम जो गवाही देंगे जज साहब मानेंगे और राज्य प्रकार के तौर पर उन्हें सजा मिल जाएगी। अब राज्य प्रकार नहीं बहन, कानून प्रकार से सजा मिल जाएगी। अरे किरण सर, मैंने कितने लोगों की हस्की वॉइस सुनी है, लेकिन इतनी रिस्की वॉइस कभी नहीं सुनी। सर तुम्हारा नाम क्या है बहन? मेरे माता पिता ने मेरा नाम कमला रखा। मेरे पति मुझे प्यार से बच्ची बुलाते हैं। हमारे घर में दूध आता है सुबह विजया डेरी का। किरण सर टेक केयर। यस सर। कल कोर्ट में ऐसी गलती ना होने पाए सर। जज साहब कंफ्यूज होने चाहिए। ठीक है सर, आते हैं सर। ठीक है सर। चलो बहन, सर मैं संभालूंगा। ओके सुनो बहन। अरे तेनाली, भगवान के चमत्कार भी बहुत अजीब होते हैं। उस चक्रवर्ती ने इसी कोर्ट में मेरी आंखों से आंसू गिराए थे। वो मामूली वकील नहीं बल्कि बहुत खतरनाक आदमी है। शेर से मुकाबला करके पता चलता है कि हम शेर हैं या बकरी। मैं बस यही चाहता हूं कि मेरा बेटा केस जीते। चक्रवर्ती जी प्रोसीड कीजिए। थैंक यू योर ऑनर। वरलक्ष्मी जी, अगस्त 8 तारीख को मर्डर वाले दिन आप कहाँ थी? घर पर थी। क्या कर रही थी? सो रही थी। उस वक्त आप घर पर सो रही थी, ये प्रूव करने के लिए आपके पास कोई एविडेंस है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर।
अरे तेनाली, जज साहब पीछे हैं, उधर घूम के बात करो। सॉरी योर ऑनर, ऑब्जेक्शन। क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्शन? योर ऑनर, एक महिला रात में कहां सो रही थी, कैसे सो रही थी, ये बोलना महिला का अपमान है। योर ऑनर, मर्डर केस में औरत मर्द में कोई फर्क नहीं होता। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। तो हम फिर से पॉइंट पर आते हैं। आप उस दिन अपने घर में सो रही थी, उसका प्रूफ चाहिए। आपके पास कोई सबूत है? कोई सबूत नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। ओके वरलक्ष्मी जी, अब आप जैसे बड़े लोगों के घर में सिक्योरिटी पर्पस के लिए सीसीटीवी कैमरे तो लगे होंगे। उस दिन आप अपने घर में सो रही थी ये प्रूफ करने के लिए कैन यू प्रेजेंट सम कैमरा फुटेज टू द कोर्ट प्लीज। दो दिन पहले हमारा सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया था, इसलिए फुटेज नहीं मिल सकती। रियली? पॉइंट टू बी नोटेड अगेन योर ऑनर। फिर से ऑब्जेक्शन योर ऑनर। किस बात का ऑब्जेक्शन है योर ऑनर? घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो इससे ये साबित तो नहीं होता ना कि इन्होंने मर्डर किया था। चक्रवर्ती जी। योर ऑनर। वरलक्ष्मी ने मर्डर किया, इसका आपके पास कोई आई विटनेस है क्या? है योर ऑनर। कैन आई रिक्वेस्ट टाउन सीआई किरण जी टू प्लीज कम टू द विटनेस बॉक्स प्लीज। ओके प्रोसीड। सो सीआई किरण, मर्डर के उस रात को क्या हुआ था? मर्डर हुआ था सर। मजाक कर रहे हो? सीरियसली मर्डर हुआ था सर। मुंह बंद करो और जो तय हुआ है वो बोलो। सच सच बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। सर उस दिन आजाद नगर सर्कल के पास सुबह 4:25 में मर्डर हुआ था सर। 5 मिनट के अंदर मैं मर्डर वाली जगह पे चला गया। सुबह मर्डर होने की वजह से वहाँ कोई विटनेस नहीं मिला। सुबह 6 बजे एक अनजान कपल का फोन आया और उसने इस मर्डर को होते हुए देखा। ऐसा गवाही देने के बाद मैंने सुबह 8 बजे वरलक्ष्मी जी को अरेस्ट किया था सर। थैंक यू सर। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, टू टाउन एसआई जी से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछ सकते हो। थैंक यू योर ऑनर। इंस्पेक्टर साहब सर, जिस दिन मर्डर हुआ था उस रात को क्या हुआ था? मर्डर हुआ था सर। देखिए सर, मर्डर होने के बाद क्या हुआ था बताइए। कांस्टेबल के फोन करने पर मैं गया था। पुलिस स्टेशन गए थे या स्पॉट पर गए थे? स्पॉट पर गया था सर। स्पॉट पर कितने बजे गए थे? 6 बजे गया था सर। गवाह स्टेशन आया था या आपको फोन किया था? नहीं सर, मुझे फोन आया था सर। 4:30 बजे मर्डर हुआ था तो 6:30 बजे आपको फोन क्यों आया? गवाह डर गए होंगे सर। 2 घंटे बाद उनका डर चला गया क्या? कुछ सोचा होगा उन लोगों ने। ओके सर, गवाह ने आपको फोन किया भी होगा, पर गवाह के पास आपका फोन नंबर कैसे आ गया? वो प्लीज नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। अब आप जा सकते हैं, आप जाइए सर। योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने जो गवाह प्रोड्यूस किया है उन सभी से क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए मैं अनुमति चाहता हूं। ओके प्रोसीड। नमस्ते सर। नमस्कार सर। आनंद साहब, वरलक्ष्मी जी ने पत्रकार का मर्डर किया अपनी आंखों से देखा आपने? हाँ सर, सुबह 4:30 बजे हमने अपनी इन चारों आंखों से देखा था सर। उस वक्त वहाँ आप लोग क्या कर रहे थे? उस दिन हम लोग गाड़ी में कानून से श्री सेलम घाट रोड से विजयवाड़ा गए थे। तुम्हें यहाँ गवाही देने के लिए बुलाया, गाना गाने के लिए नहीं। सर मेरी धर्म पत्नी जो भी बोलती है गा के ही बोलती है सर। हाँ तो ठीक है गाओ। विजयवाड़ा स्वर्ण पैलेस होटल में हम लोग रुके थे, फिर दुर्गा माँ के दर्शन किए थे, फिर पुजारी जी ने आरती दी, उसके बाद हमने प्रसाद खाया, उसके बाद हमने प्रदक्षिणा की थी। यहाँ पर मुझे जजमेंट देने के लिए जो मूड सेट किया था वो चौपट हो गया। कम से कम गाने का सुर तो अच्छा होना चाहिए, बर्तन में पत्थर जाते हैं ऐसी साउंड आ रही है। वो ऐसे ही चिल्लाते हैं, तुम शुरू हो जाओ। बोलिए अब। उसके बाद हमने दर्शन किए, उसके बाद कर्नूल के लिए रिटर्न 2 टिकट लिए, गुंटूर से श्री सेलम वाया कर्नूल आ गए। अरे हाँ आ गए, दर्शन किए, उतर गए। मेरे गुस्से का पारा बढ़ता जा रहा है, जो बात है सीधी बताओ ना। बता रही हूँ, आप गुस्सा मत होइए, शांति से सुनिए जज साहब। गाओ। ऑटो से उतर के जा रहे थे, आजाद नगर रोड की तरफ बढ़ रहे थे, फिर धीरे धीरे बारिश हो रही थी, तभी वहाँ वरलक्ष्मी जी आई, तब देखा अचानक किसी आदमी का गला काट दिया गया, फिर वो तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ रहा था। हम लोग बहुत डर गए थे। अरे बात करो, तुम्हारी वजह से कुछ लोगों की जाने जा रही है। कोर्ट का वकील अपने आप को संभाल नहीं पा रहा और बाहर जाके उल्टी करने पे मजबूर हो गया है। अरे ऐसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ ना। हमारे भारत देश में बहुत चीजों की स्वतंत्रता है, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, वरना आप पर मैं एक और केस डालता। तो डाल दीजिए। ओ देवी तुम मुंह बंद रखो। और तुमने मर्डर होते हुए देखा ना, तुम भी वहां स्पॉट पे थे ना, तो जो कुछ भी बोलोगे अब तुम बोलोगे।
फिर उसके बाद हम लोग गए, नहाए धोए और फिर नाश्ता भी किया। उसके बाद दुख भरी खबर मिली कि रिपोर्टर मर गया। उसके बाद हम लोगों ने सीए सर को फोन किया। सब कुछ सही है। जो मर गया वो रिपोर्टर है, ये आपको कैसे पता? हमने सोचा सर। प्लीज नोट दिस पॉइंट योर ऑनर, इन लोगों ने सोचा। सॉरी सर, हम डर गए थे, डर कर ही बोल दिया था, वो पत्रकार थे, पता नहीं था सर। हाँ, ये पॉइंट भी नोट कीजिए योर ऑनर, डर के मारे इन्होंने बोला था। वो ऐसा अच्छा, ये सब छोड़िए, आप कर्नूल कितने बजे आए? 4 बजे आए थे सर। मर्डर होते हुए कितने बजे देखा था? सुबह 4:20 पर हमने अपनी चारों आंखों से देखा था। सर ये लोग झूठ बोल रहे हैं। सच तो ये है कि आप लोगों ने कोई मर्डर देखा ही नहीं। विजयवाड़ा से कर्नूल आने वाली बस AP 25362 सुबह 4:35 पर कर्नूल आई। जो बस 4:35 को आई तो फिर आप लोगों ने 4:20 का मर्डर देख कैसे लिया? कर्नूल आरटीसी बस डिपो वाले ने रिपोर्ट दिया योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मुझे लगता है वरलक्ष्मी जी हमारे गवाहों के साथ जरूर कुछ कर रही है, और ऐसे सबूत मैं 100 रुपए में पैदा कर सकता हूँ। आप पैदा कर सकते हैं सर, 100 झूठे सबूत आप ला सकते हैं, लेकिन आरटीसी बस डिपो पे सीसीटीवी के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ फुटेज उसे झूठा साबित नहीं कर सकते। जी, ये रहे एविडेंस योर ऑनर। दरअसल उस दिन ये लोग विजयवाड़ा गए ही नहीं थे, उसका प्रूफ उन लोगों के अपॉइंटमेंट के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज। इस तरह से झूठे गवाह पेश करना सेक्शन 192 के तहत क्राइम है, और एसआई साहब ने फॉल्स एविडेंस पैदा किया, इसके लिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरी क्लाइंट वरलक्ष्मी देवी जो एक अच्छी इंसान है वो निर्दोष है, इसलिए कोर्ट उनको बाइज्जत बरी करे योर ऑनर। सारे गवाहों और सबूतों को सुनने के बाद फॉल्स एविडेंस क्रिएट करने वाले एसआई किरण कुमार कोर्ट में झूठी गवाही दिलवाने के लिए इन पति पत्नी को लेकर आए, इसलिए इन तीनों के ऊपर कार्रवाई की जाए ऐसा कोर्ट आदेश देती है। और क्रिमिनल लॉयर चक्रवर्ती को बार काउंसिल से सस्पेंड किया जाता है, और एक समाज सेविका वरलक्ष्मी जो है उन पर सारे केस लगाए गए उन्हें माफ करते हुए उन्हें निर्दोष करार देते हुए कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी करता है। आपके बेटे ने तो चक्रवर्ती को भी हरा दिया। हार नहीं तो क्या, इस दुर्गा राव का बेटा है, कोई मजाक नहीं। ब्रोकर का बेटा ब्रोकर ही होता है। थैंक्स तेनाली। थैंक यू मैडम। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैडम आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, वो कौन है पता लगा? कहीं अनजाने में मैंने उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? जरा देखो, तेनाली गया है ना, वो उसे छोड़ेगा नहीं। अच्छा, मेरी सांसें फूल रही हैं। इस उम्र में ये मर्डर अटेम्प्ट, चेजिंग करना, इन सब की जरूरत है क्या? एक आदमी को मारना गैर कानूनी है, और एक अच्छे इंसान को मारना महापाप है। कौन अच्छा है, कौन? सब लोग सोचते हैं वो पवित्र है, पर वो है एक नंबर की धोखेबाज। उसने मेरे बेटे को बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। वरलक्ष्मी जी ने जर्नलिस्ट भूपति को नहीं मारा, वो केस अभी मैं जीत कर आ रहा हूँ। मुझ पर विश्वास नहीं है तो कम से कम कोर्ट के फैसले पर विश्वास करो। कोर्ट पे विश्वास करूँ? कोर्ट में जो गवाह पेश किए गए वो सब झूठे थे, उसने तुम्हें और कोर्ट को भी धोखा दे दिया। वही कातिल है, उसी का किया धरा है सब।
कितनी अच्छी एक्टिंग की है तूने, मेरा दिल जीत लिया। मेरे ही पास नौकरी करके मेरी ही जासूसी कर रहा था, और ब्लैक मनी जो मेरे पास है, मैं जो धंधा कर रही हूँ, जो हेरा फेरी कर रही हूँ, उसके सबूत इकट्ठा कर रहा था, ये सब कुछ शूट करके सोशल मीडिया में डालने की कोशिश कर रहा था, है ना गोपाल? यस मैडम। जरा अपना फोन दो तो। पकड़ो। क्या रे, मैं कोई एक्टर हूँ क्या जो मेरी फिल्म शूट कर रहा था तू? नहीं, तू एक्टर नहीं बल्कि एक नंबर के राक्षसी है। पब्लिक के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है और उन्हीं को लूट रही है। तूने गरीबों के नाम पर उन्हें घर दिलाने के लिए लाखों करोड़ों का लोन बैंक से लिया। सोलर सिस्टम के नाम पर न जाने कितने घोटाले किए। कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर तूने करोड़ों अरबों रुपए सरकार के खाए। बालू, सीमेंट, सरिया, रियल एस्टेट, ईंट पत्थर तक को तूने नहीं छोड़ा। ये यहाँ की मासूम जनता नहीं जानती है, और वो लोग तुझे भगवान मानते हैं और तुझे सर पर बिठाकर तेरी पूजा करते हैं। जो इंसान कोमा में है उसे भगवत गीता का पाठ पढ़ाकर उसके साथ डिस्कशन नहीं किया जाता। तू मुझे मार कर सबसे बड़ी गलती करने जा रही है। आज से तेरा राजनीतिक खेल खत्म हो जाएगा। मेरे बेटे को मार डाला। बेटे के मरने का दुख एक बाप ही जान सकता है। तुम कैसे समझोगे? किसी को समझ में नहीं आएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। प्लीज मैडम। एक छोटी सी चींटी हाथी की सूंड में घुसकर उसे खत्म कर सकती है, और तुम्हारे जैसे चींटी के हाथों मरने के लिए मैं कोई हाथी नहीं हूँ, शेरनी हूँ। तू और तेरा बेटा मेरा पीछा करके मेरे ही खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। ए, तुम मुझे चाकू से मारने की कोशिश कर रहे थे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं अच्छी नहीं हूँ वकील साहब, आई एम वेरी बैड। मुझे पैसा और पावर बहुत अच्छा लगता है, और कोई भी मेरे रास्ते में आए तो मैं उसे मार देती हूँ, और तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे ये उम्मीद है। समझ में आ गया ना?
देख आज मौसम कितना मस्त है, मेरे लिए चार मिर्ची के पकौड़े बना। हाँ। अरे जीजा जी, इस बारिश में अगर पकौड़ों के साथ हाँ? एक एक पैक लगा लें तो कैसा रहेगा? अरे बहुत बढ़िया रहेगा। देख तेनाली भी आ गया। अरे तू वहाँ क्यों बैठा है? क्या हो गया इसे? तेनाली, अरे क्या हुआ तेनाली? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ बेटा? तेनाली बताना, तू यहाँ पर क्यों बैठा है? इतनी बारिश हो रही है, तुम यहाँ बैठे हो, चलो अंदर चलो। आखिर हुआ क्या बेटा? मार दिया माँ, मेरी आंखों के सामने मार दिया उसे। तो किसकी बात कर रहा है बेटा? वो वरलक्ष्मी देवी अच्छी नहीं है, एक गुनहगार को मैंने बचाया है, वरलक्ष्मी कातिल है ये मैं समझ नहीं पाया, और अन्याय का ना समझी में मैंने साथ दे दिया माँ। अगर मैं केस नहीं लड़ता तो दो लोगों की जान नहीं जाती। तूने तो उसे अच्छी समझकर ही बचाया ना, इसमें तेरी क्या गलती है? बेटा एक झूठ को सच समझकर तूने वरलक्ष्मी को बचाया, अब उस सच को झूठ साबित करना तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अरे वो कोई तोप है क्या? मर्डर करते समय उससे गलती जरूर हुई होगी, अगर वो गलती तू पकड़ ले तो उसका गला पकड़ सकता है। बस एक सबूत इकट्ठा कर ले, फिर हम हाई कोर्ट में केस रीओपन कर सकते हैं। दीदी एक चाय देना। थैंक्स दीदी। क्या नाम है तेरा? रामू भैया। रोज आता है क्या यहाँ? आता हूँ ना। कितने बजे आता है? रोज सुबह 4 बजे आ जाता हूँ। अच्छा रामू, 8 अगस्त को सुबह 4 बजे एक मर्डर हुआ था, तो उस दिन यहाँ पर था क्या? उस दिन बहुत बारिश हो रही थी इसलिए मैं नहीं आया था भैया। लेकिन भैया, बारिश हो या तूफान आए या ये कर्नूल टाउन पूरा डूब जाए, लेकिन एक फैमिली है जो रोज सुबह वॉक करने के लिए जरूर आती है भैया। उनका नाम पता है तुझे? उनका नाम झुनझुन वाला जुगल किशोर है भैया। सुनो जी भाई, झुनझुन जुगल किशोर कहाँ पे रहता है जानते हो? झुनझुन जुगल किशोर, हाँ वो वाला। अरे इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या करूं दादी, बहुत टेंशन हो रही है मुझे। सोते जागते हर वक्त वरलक्ष्मी खून करते हुए मेरे सामने आ जाती है। अरे कैसा डरपोक बच्चा पैदा किया है, लोग समझेंगे कि हमने ही मर्डर किया है। इसकी तो ये ले, गाजर खा। ये खाऊंगा तो टेंशन कम हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं। मामा जी नमस्ते। अरे बाप रे दादी, लगता है वरलक्ष्मी का आदमी है। तू अपना मुंह बंद कर। राशन वाले हो ना, सारा राशन लेकर आए हो ना? मैं राशन वाला नहीं हूँ माजी। पेपर बॉय हो। मामा जी, तेनाली रामाकृष्णा, BA BL, लॉयर हूँ। कुछ समझी दादी, लॉयर मतलब पुलिस, पुलिस मतलब लॉयर। तू अपना मुंह बंद रख, इस लॉयर में घर का कोई काम, मेरा मतलब है इस घर में लॉयर का काम नहीं, तुम जाओ, हमें कोई जरूरत क्या नहीं। काम है तुम्हें? अरे आप लोगों पर कोई केस नहीं है, आप लोग इस केस में हो। केस? अब हम पे कोई केस नहीं है, जबान सवाल की बात कर। सर मैं जो बोल रहा हूँ जरा ध्यान से सुनो, आप रोज सुबह 4 बजे आजाद नगर के सर्कल के पास पूरी फैमिली के साथ जॉगिंग के लिए जाते हो या नहीं जाते? हाँ पूरा परिवार जाता है। फैमिली वॉकिंग? अगस्त 8 तारीख को भारी बारिश में आप लोग परिवार के साथ जॉगिंग के लिए गए थे या नहीं गए थे? हाँ गए थे। तो आपने मर्डर होते हुए देखा? हमने कोई मर्डर नहीं देखा। आप लोगों ने देखा है सर? हमने देखा है, हमें देखते हुए तुमने देखा है क्या? नहीं देखा है सर। तो फिर हमने भी नहीं देखा है। कितना झूठ बोलोगे आप लोग, सच बोलने से डर रहे हो क्या? कैसी बात कर रहे हो? डर तो हमारे खून में भी नहीं है। तुम गलत एड्रेस पे आ गए हो ब्रो। मैं एकदम करेक्ट एड्रेस पर आया हूँ, ये बात आपको भी पता है। दादी जी जो मरा है ना, वो भी आपके पोते जितना था। आपके पोते के साथ अगर ऐसा होता तो आप चुप बैठती? वो लड़का सच्चाई के लिए मरा है, अगर आप लोग आकर गवाही देंगे तो
जो मरा है उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। सच और झूठ जिंदा रहे इसके लिए पहले इंसान जिंदा रहना चाहिए बेटा। सही कह रहे हो सर, इंसाफ रहे ना रहे लेकिन इंसान को खुश रहना चाहिए। यहां इंसान तो है लेकिन इंसानियत नहीं। रुको ब्रो, हम गवाही जरूर देंगे बेटा। दादी मुझे बोलने दो, क्या है कि इंसान और इंसानियत के बारे में हम लोग ज्यादा नहीं जानते हैं ब्रो, लेकिन तुम्हारी लड़ाई में सच्चाई नजर आ रही है मुझे। हम सब तुम्हारे साथ हैं ब्रो, हम गवाही जरूर देंगे। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। वो तेनाली रामकृष्ण हाईकोर्ट में केस रीओपन करने वाला है मैडम। माँ जी इन्हें रोकिए ना। बेटा बड़े बड़े दंगे फसाद तो रोक सकते हैं लेकिन इसे नहीं रोक सकते। माँ जी इन्हें रोको माँ जी। मैंने जो किया वो गलत था, गलत था। नहीं गलत नहीं था मैडम। बैठने में भलाई माँ जी। मर्डर करना राइट है, राइट है क्या? गलत है मैडम। करेक्ट, मर्डर करना गलत है। पर मेरा मर्डर करना गलत हो सकता है? माँ हमारी जायदाद कितनी है? बहुत छिपा कर रखे है, कम से कम 500 करोड़ तो होंगे बेटा। 500 करोड़ की जायदाद है, एक को मार दिया तो क्या गलत किया? गलत किया वो क्या ना कि मर्डर तो मर्डर ही होता है और आपने तो एक आदमी का मर्डर किया ही ना मैडम। सॉरी मैडम। एक मर्डर, सिर्फ एक मर्डर। अरे सुनामी में इतने लोग मर जाते हैं, जब तूफान आता है तब भी कितने लोग मरते हैं, कोई केस करता है क्या? प्रकृति और इंसान के मर्डर करने में क्या फर्क होता है इनको ये भी नहीं पता है। तू इतना टेंशन क्यों लेती है बेटा? उस तेनाली को भी ऊपर भेजने का प्रोग्राम बनाते हैं। वहाँ के बंद करके सोया नहीं जो ऊपर भेज देंगे उसको, अलर्ट है वो। बात करते हैं। अगर हमें जीतना है तो सबसे पहले उस तेनाली रामकृष्ण को डराना होगा और दूसरा उस गवाह को डराना होगा, उसका पता लगाओ। आप ये मामला मुझ पर छोड़ दो मैडम, उनको कैसे डराना है वो मैं देख लूंगा। अंदर कोई नहीं है क्या? वो लोग खाली करके चले गए। कहाँ गए पता है? नहीं पता सर, चार दिन पहले तो यही थे। लगता है गवाह को भगा दिया। ऐसा है क्या? हाँ चलो। अच्छा जल्दी चलो। मैं तो हाँ रहूंगा। अरे कहाँ भाग रहे हो? रुकने के लिए बोलेगा तो रुकूंगा क्या? रुक, हमारी मेहनत पे केस करता है। अरे वाह बहुत अच्छे। अरे देखो इधर कहीं, बेगम जी, बेगम जी इधर से 5 आदमी भाग के गए, आपने देखा? वो 5 आदमी, हम 5 आदमी दोनों अलग हैं। ए बेगम जी एक मिनट रुको भाई। हम 5 मुस्लिम औरतें रोड पर जा रहे हैं, बाद में बात करते हैं। आप मुस्लिम है ना है। तो आपके मोबाइल पे भजन की रिंगटोन क्यों है तू बता। ये बात मैं आपको समझाती हूँ, सैफ अली खान ने करीना के साथ निकाह किया तो हम सब साथ साथ हैं। मैंने सही कहा? मस्जिद जाने का टाइम हो गया, हमें जाना पड़ेगा। क्या हुआ? एक मिनट, लेडीज मस्जिद में नहीं जाती है ना। अरे मस्जिद में नहीं तो टेंपल में जाता है। तू क्या नहीं ज्यादा सोचता? क्यों ऊपर वाला तेरा सब अलग करेगा। वो मिले क्या? अच्छा मिस हो गए, अब क्या करेंगे? मेरे पास एक और प्लान भी है। एक तो केस नहीं है, ऊपर से डिस्टर्ब कर रहा है। तुझे ही बोल रहा हूँ, अभी मेरे पास कोई केस नहीं है, दिमाग खराब मत कर मेरा। सॉरी लाल साहब, मैंने गलती से आपको धक्का दे दिया, दर्द तो नहीं हो रहा? पेन का क्या है, बट इट्स स्वीट पेन। वैसे आपने मुझे ठोका क्यों? वो क्या ना, जब भी मैं किसी मर्द को धक्का देती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस हैबिट। वैसे आपका नाम क्या है? छम्मक चंद्रिका। नाइस नेम। थैंक यू। वैसे तुम्हारे पीछे मर्दों को घूमना चाहिए, तुम कोर्ट के चक्कर क्यों लगा रही हो? मैं कोर्ट के चक्कर इसलिए लगा रही हूँ कि मेरा पति बाजू वाली के चक्कर लगा रहा है। तो
तो कोर्ट के चक्कर लगाने में मजबूर हो गई। अच्छा आपकी शादी हो गई है क्या? पान पे चूना लगाने बाद उसे खाया जाता है। हाँ। लड़की पैदा होने के बाद उसकी शादी हो जाती है, जो है ना लॉयर साहब? हाँ, काम है, कॉमन है। लॉयर साहब, आपके सीने से लगकर रोने का दिल कर रहा है। अब वैसे ये कोर्ट है तसल्ली के लिए ना। हाँ ठीक है, आइए। सॉरी लॉयर साहब, आपका पति दूसरी औरत के पीछे क्यों भाग रहा है समझ में आ गया। लॉयर साहब, हम पति पत्नी के बीच जिंदगी खुशी खुशी गुजर रही थी, अब सुख नहीं रहा। क्यों? आप हमारे घर आइए ना लॉयर साहब, मेरे पति को समझाइए ना, मेरी जिंदगी बना दीजिए, उसे भी समझाइए ना। चलो तुम्हारे घर चलता हूँ। आइए लॉयर साहब, यही मेरा घर है। अपने पति को तो बुलाओ। अरे सुन रहे हो क्या? नमस्ते भाई। नमस्ते। नमस्ते भाई। नमस्ते। ऐसा केस और ऊपर से मैं लड़ूं? मुझे नहीं लड़ना। ए बंडलबाज। मैं बंडलबाज हूँ लेकिन तू धोखेबाज है। पति को छोड़ दिया तो हाथ छोड़ना सीख गई, मारती क्यों है? अरे क्यों मार रही है? उन गवाहों को काट छुपा के रखा है। कैसी आवाज में बात कर रही है? जोक है क्या? बता ना, गवाह को कहाँ छुपा रखा है? मुझे गवाह या गवाह के पेपर्स के बारे में नहीं पता। चुपचाप बोल दे वरना मरेगा तू। बताता हूँ। हमारा गिरी नाम का दोस्त है, उसके घर छुपा के रखा है। तुम कौन हो? दूर से ही बदबू दे रही हो। मेरा नाम छम्मक चंद्रिका है। छम्मक चंद्रिका? हाँ हाँ। आपके घर के बगल में फ्रेश उतरी हूँ। क्या मैं आपके घर में आ सकती हूँ? पहली बार हमारे घर में तुम्हारे जैसा कोई नमूना कदम रखा है, समझी चम्मक? वैसे क्या चाहिए तुमको? रोना धोना क्यों रहा है? मुझे शादी करनी है। मुझे शादी करनी है। अरे पड़ोसी दूध शक्कर मांगते हैं, शादी करनी है ऐसा थोड़े बोलते हैं। मुझे शादी करनी है, मेरे बदन में आग लगी है। आग लगी है मतलब उसे ठंडी कर दूं क्या? मेरे बदन में जो आग लगी है तुम उसे ठंडा नहीं कर सकते। मैं नहीं तो क्या शक्तिमान है कि उसे शांत करने? अरे उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर के अंदर जो किशोर है ना बस वो मुझे दे दो। किशोर? हाँ, वो मुझे प्यार करता है, उसने मुझसे शादी करने के लिए भी कहा था, बाद में धोखा दे दिया। मैंने धोखा दिया? सुना, कहीं तुम पेट से तो नहीं हो? मैं हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती तुम पेट से? अच्छा वो बात है। ब्रो आपकी कोई रिश्तेदार आई है? ए कौन हो तुम? किशोर क्या हुआ? किशोर क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। तेरे डर्टी फेस को देखे कोई डर्टी फेस वाला भी प्यार ना करे और मैं तुझसे प्यार करूंगा, पागल है तू? है कौन तू? साइड घूम, फिर से घूम। ये ठीक है ना? मेरा सर घूम रहा है। तू किसी भी एंगल से मुझे औरत नजर नहीं आ रही है, मैं तुझे धोखा कैसे दे सकता हूँ? तुम्हारी पूरी फैमिली ने मेरे साथ धोखा किया है। अरे तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारी बहन, सबने बोला तुम्हारी शादी मुझसे करवाएंगे, सबने धोखा दे दिया मुझे। माँ जी नीचे आओ, ये बताओ तुम में से कौन इस औरत से मेरी शादी करवाने का वादा किया था? बात करो इससे। यो बेटी, क्या हमने तुमसे प्रॉमिस किया था किशोर से शादी करवाएंगे? ए, ज्यादा नाटक मत कर वरना गर्दन काट के हाथ में रख दूंगी। समझी? ए जरा अपनी शक्ल दिखा। ऐसे मुझे भी उल्टी आ गई थी। तू जैसी लड़की को मेरा पोता शादी के लिए वादा नहीं कर सकता। सोना बच्चा मेरा। तुम्हारे घर में इतने लोग हैं, कोई और भी मौजूद है? तेरी कोई जरूरत नहीं, यही हमारी फैमिली, छोटा परिवार, सुखी परिवार। अरे ये सुखी परिवार नहीं है। तुम्हारी आवाज कैसे बदल गई? अरे बाप रे दादी, डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक प्लान है। कौन प्लान? क्या? नहीं बूझ, वहाँ ओपन करते हैं, चलो। अरे भाग जाएंगे बोलकर यहाँ लेकर आ गए। डरने की जरूरत नहीं है, ये तेनाली रामाकृष्णा स्टाइल है, भागने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। शायद ये बात तेनाली करना भूल गया होगा। मैं जाके वरलक्ष्मी से कॉम्प्रोमाइज की बात करके आता हूँ। मेरा दिल है बेकरार, हो गया है तुमसे प्यार। हाय आंटी, मैं यहाँ आपसे एक डील करने आया हूँ। बोलू क्या आंटी? ऐसे क्या देख रही है आंटी? बात कर रहा हूँ तो मार क्यों रहे आंटी? ये लोग पागल हैं क्या आंटी? क्या कर रहे हो आप? तो इन्हें रोकिए आंटी, जो बोलो उसमें कोई गलती है क्या आंटी?
कॉम्प्रोमाइज इज टेकिंग टू मच टाइम डैडी, टू मच टाइम। कम से कम आप तो बोलो बड़ी आंटी। इसे बड़ी आंटी कह रहा है तू? बड़ी आंटी तुझे मैं ये सारा कोई नारियल नहीं है जो फोड़े जा रहे हो। इस उम्र में इतना गुस्सा क्यों रे? खुद की शक्ल चमगादड़ जैसी है और मुझे आंटी आंटी कहकर बुला रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? है अच्छा आंटी बोले इसलिए मारा। तो दीदी बोलूं? तो क्या बेबी बोलूं? आप ही बताओ ना क्या बोलूं। मैडम आप ही बताई नहीं रहे। मैडम कहकर बुला, मैडम मैडम। आंटी जल्दी बताओ क्या बात है। बताता हूँ मैडम, सच में दत्रुत पत्रिका जर्नलिस्ट भोपाल जी को आपने मारा या नहीं मारा, सच है या गलत है? हाँ मारा है। तो क्या हुआ? मैडम आप कोर्ट में जाकर अपना सारा गुनाह कबूल कर लीजिए, आपको सजा होगी तो रघुराम जी की आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो केस क्लोज। केस नहीं, तुझे क्लोज कर दूंगी। मेरी जायदाद और मेरे चरित्र की वो जर्नलिस्ट लव रिपोर्ट तैयार कर रहा था, इसलिए उसे मार दिया, उसके बाप को भी मार दिया। जो भी रास्ते में आएगा उसे मार दूंगी। मेरे राजनीतिक करियर में जो भी दखल अंदाजी करेगा मारा जाएगा। किसे कॉम्प्रोमाइज करना है ये मैं बताऊंगी। जाओ उन गवाहों को भेजो। आप ठीक हो ना? Hey, what happened, bro? Nothing. Everything is compromised. All okay. Super, bro. इसका मतलब ये हुआ कि उसने गुनाह मान लिया है। हाँ, वो जेल जाने से पहले आप सबसे एक बार मिलना चाह रही है। जाओ जाके मिल लो। जाओ 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 जाओ। Why not? Let's go. Come on. Bro, से आंटी कहके बुलाएंगे तुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा क्या? तुम्हारे माँ की कसम। अब तू देखना, आंटी आंटी बोल के मैं उसे खुश कर दूंगा। खुशी है ना? Yes. ओए, आंटी बोलना, बड़ी आंटी का दिल बोल। आ गए। मेरे कूलिंग ग्लास की तरह ये बहुत कूल लग रहा है। कितने मर्डर किए बेटा इतना बड़ा घर बनाने के लिए। बुरा मत मानिए, मेरी सासू माँ कह रही है कि आपने कितनी मेहनत से। हेलो आंटी। हेलो आंटी। अरे अरे मार रहे हो? ऑलरेडी नीचे कॉम्प्रोमाइज हो गया है, आप क्यों मार रहे हो? सो आप कबूल करती हैं कि उस रिपोर्टर का मर्डर आपने किया है आंटी? वेरी हैप्पी आंटी। तुम्हारी आंखों में धूल पड़ी है क्या? अरे मारो मारो। अरे वो मेरे पापा हैं, उन्हें ऐसे क्यों मार रहे हो? अरे मुझे क्यों मार रहे हो? अरे बाप रे, रोकिए आंटी प्लीज। अरे नहीं छोड़ दो छोड़ दो। खुद अंकल संघ के अध्यक्ष लग रहे हो और हमारी मैडम को आंटी कहके बुला रहे हो? समझ गया समझ गया। सॉरी मैडम, उस कमीने ने हमें आपके बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी, बोला कि आपको आंटी बोलना। अरे अरे आप क्यों मार रहे हो? अब मैं आपको सिर्फ मैडम बुलाऊंगा। ओके मैडम। सॉरी मैडम। मेरी बेटी को मर्डर करते हुए देखा है? हाँ देखा है। अरे देखा, देखो मार रही हो। कोर्ट में गवाही देने वाले हो क्या? हाँ देने वाले। अरे क्या बोलो, नहीं हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं बोलेंगे। अब आए ना तुम लोग लाइन पर। वेरी गुड। इतना सीरियस मैटर और आपको हंसी आ रही है डैडी? लेडीज के बीच क्या जंग चल रही है ना, औरत औरत को मार सकती है। मेरी माँ कौन है पता है ना? आपकी बीवी। माहौल ठीक होने के बाद हंसिएगा। और माहौल ठीक हो जाए इसके लिए क्या करना चाहिए? रात को मूली के पराठे नहीं खाने चाहिए मैडम। कैसे पागल इंसान को जन्म दिया है मैंने। फादर को मारा तुमने? अरे ये लोग मारेंगे तो आप मरी जाओगे पापा। मैडम मुझे पूरी बात समझ में आ गई है, आपने ये मर्डर नहीं किया है, उस तेनाली रामकृष्ण ने हमारे साथ जबरदस्ती करके आपके विरुद्ध गवाही देने को कहा। अगर तुम लोगों ने कोर्ट में सच बोला तो मारे जाओगे मैडम। झूठ बोला तो बच जाओगे, कल कोर्ट में आ जाओगे। बेटी रुक्मिणी चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। रुक्मिणी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, मुझे देखने के बाद मुंह फेर लेती हो तुम, इट्स नॉट फेयर एट ऑल। फेयर एंड फेयर की बातें आप कर रहे हैं डैडी, मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ। शट अप रुक्मिणी, विल यू? उस दो कौड़ी के तेनाली की बातों में आकर तुम अपने बाप से जुबान लड़ा रही हो। कुछ दिनों के बाद तुम्हें पता चलेगा, जब वो तेनाली अपना काला कोट बेचकर चाय बेचेगा तब तुम्हें इस बाप की वैल्यू पता चलेगी। वैल्यू मतलब बहुत सारे पैसे और आम का बगीचा नहीं होता डैडी, वैल्यू मतलब सच्चाई और इंसानियत। बेटा रुक्मिणी तेरे पापा बुरे हो सकते हैं
लेकिन इस परिवार के लिए बहुत अच्छे, एक झूठी गवाही देने वाले परिवार में तुझे कैसे भेज सकते हैं बता तो? उस बेकार लॉयर के साथ तेरी शादी कैसे कर सकते हैं? ये तो मंजूर नहीं होगा ना उन्हें। आप किसे बेकार लॉयर कह रही हैं मम्मी? तेनाली पापा से भी ज्यादा होशियार है और तेनाली के बारे में आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सच ये है कि वरलक्ष्मी ने जिसका मर्डर किया उसका कोई गवाह नहीं है। दरअसल जो भोपाल मर गया है वो किशोर का बेस्ट फ्रेंड है और ये सब जानने के बाद तेनाली किशोर से मिला था। वरलक्ष्मी को उसके किए की सजा मिले इसलिए उससे मदद मांगी। तेनाली ने वरलक्ष्मी को ये यकीन दिलाया कि मर्डर करते समय कोई गवाह था। उन गवाहों को अपने घर पर बुलाने पर मजबूर कर दिया। जो लोग भी वहाँ गए हैं वो स्पाई कैमरा के साथ गए हैं। आपने जो मर्डर किया वो सही है या गलत? ये घर कितना कूल है। अब वरलक्ष्मी जो भी कह रही होगी वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होगा। मार दिया तो क्या हुआ? अब वो वीडियो फुटेज कोर्ट में पेश किए जाएंगे। मेरे पापा ने जिंदगी में हमेशा गलत रास्ता चुना और जो इंसान हमेशा सही रास्ते पर चला है वो तेनाली है। हेलो मैडम, मैं चक्रवर्ती बोल रहा हूँ। क्या है? मैंने एक बार आपके साथ गलत किया। आई एम सॉरी फॉर दैट। आपको एक सीक्रेट बताना चाह रहा हूँ, नहीं भरोसा करेंगी तो पछताएंगे। आपके पास जो गवाह हैं वो गवाह है ही नहीं। उनके पास जो फुटेज है उसे देखने के बाद कोर्ट में आपको अरेस्ट जरूर किया जाएगा। किसी भी हालत में वो कोर्ट तक ना पहुंचने पाए। ओके। क्या बात है मैडम, यहाँ पे गाड़ी क्यों रुकी? चाय पीकर जाते हैं। ओके। मेरे लिए ग्रीन टी। वन लेमन टी। मुझे एक ब्लैक। हाँ। यहाँ ये सब चाय नहीं मिलने वाली है आप लोगों को। सिर्फ एक ही चाय मिलेगी। बैठ जाओ जाके। तो ऐसी जगह पे किस लिए रोका? दो घंटों के अंदर ये पूरा ढाबा हमारे कब्जे में होना चाहिए। इसे तुरंत खाली करवाओ। चलो उठो उठो। चलो 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 उठो। क्या हुआ बेटा, इतना टेंशन क्यों ले रही है तू? ये लोग गवाह नहीं है, हमने जो भी बातें की है वो सीक्रेट कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। सिर्फ एक चाय पिलाने के लिए इन्होंने पूरा का पूरा ढाबा खाली कर दिया, क्या बात है। अरे बाबा, इसी को तो पावर कहते हैं, कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल सही। अभी करना है क्या? पूरा वक्त आने पर गधे का भी पैर पकड़ना पड़ता है। अब गधा कौन है? बोलिए वरलक्ष्मी जी। एक रोटी के लिए दो बिल्लियाँ अगर लड़ती है तो बंदर आकर उसका फायदा उठा लेता है और हम दोनों के झगड़े का फायदा वो तेनाली उठा रहा है, इसलिए हमें बात करनी होगी। तो बताइए क्या करना है? खत्म कर देते हैं। क्या बात है मैडम, आपके लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं? करण तैयार कर रहे हैं। क्या वो जलेबी है मैडम जो तैयार कर रहे हैं? कभी करंट लगा है तुम लोगों को? बचपन में एक बार लगा था। अरे बाप रे, इट्स अ पेनफुल फीलिंग मैडम। तो अब खा लो, बहुत टेस्टी लगेगा। अरे ऐसे क्यों बांध रहे मैडम, हम लोग भागने वाले नहीं है। मां की कसम खा के कहते हैं। करो ये क्या कर रहा है? बिजली का करंट है। अरे अगर बिजली का करंट देना ही है तो बुढ़िया को देना, मुझे क्यों यार? क्या गरीब किसान है जो मैं फ्री में बिजली दे रहा है, बेवकूफ। हाँ, मुझे गाली देता है। आता हूँ। अरे रुकिए मैडम, रुकिए मैडम, मैं दिल का मरीज हूँ मैडम, मेरे टकले में कुछ बचे हुए बाल वो भी निकल जाएंगे। रुकिए। आप लोग हमें इतनी बुरी तरह टॉर्चर कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह तो बता दीजिए मैडम। अरे रे रे रे, क्या नाटक किया है तुमने? मैंने जो मर्डर किया वो देखा नहीं और उसके गवाह बन गए? मेरे ही घर पर आकर मेरे मुंह से कबूल करवा कर सीक्रेट कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे? देखो
हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा मत करना, हमारे पीछे तेनाली है, तेनाली। हाँ। या, he's on the way. क्या है मैडम? पेट्रोल है। फॉर वॉट मैडम? आई थिंक फॉर बर्निंग। आइडिया क्यों दे रही है मैडम? यमलोक में यमराज भी इतनी बुरी सजा नहीं देता है, देयर इज अ लिमिट। मैं यमराज नहीं हूँ, मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। इज्जत से कैमरा देते हो या फिर मरना है? मैडम आपको इज्जत चाहिए तो देंगे, लेकिन कैमरा नहीं देंगे। सर तो उजड़ा चमन है, दिमाग भी उजड़ गया क्या? तुमने दूसरी बार मारा है। वो लोग जान से मार देंगे, उससे तो बेटर है ना। यही बेटर है। लो इसमें भी कैमरा है, ये भी रख लो, लो पकड़ो, ये लो, ये बैग भी रख लो, डालो डालो। मैडम अगर आप हमें छोड़ देंगी तो हम ओला कैब बुक करके चले जाएंगे। कैब बुक करोगे? अरे बोले की जा रहा, पकड़ो। बाहुबली में जैसे एक तरह की सैनिक थे ना, उसी तरह यहाँ एक ही जैसे हेलमेट, एक ही जैसे स्कूटर, एक ही जैसी ड्रेस है मैडम। लेकर हमें सताने की कोशिश कर रहा है गधा कहीं का। चाहे वो कोई भी अवतार ले ले, वो कोर्ट कैसे पहुंचता है मैं भी देखती हूँ। मैडम हाई कोर्ट में आए किसी तिरुपति बालाजी के मंदिर में, सब लोग एक जैसा काला कोट और एक जैसा काला हेलमेट पहनकर घूम रहे हैं मैडम। लगता है ये तेनाली रामकृष्ण का ही प्लान है मैडम। ए तेनाली रामकृष्ण निकाल अपना हेलमेट। अरे मैं रामकृष्ण नहीं बाल कृष्ण हूँ। बाल कृष्ण ना, जाओ 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 जा। अरे रामकृष्ण, मोहन कृष्ण, हरे कृष्ण, जय कृष्ण, मेरा नाम साई कृष्ण है।
बहुत ही सुपर सर, कृष्णा के अलावा सारे कृष्णा यहीं पर मौजूद हैं। अरे क्या हो रहा है, अरे तेनालीराम कृष्णा कहाँ है? थैंक यू बॉस। कीड़े पड़ेंगे तेनाली, हमारी सबूतों की थैली दे दे हमें। ओह, अगर रहता तो मैं दे देता, मैंने जज साहब को दे दिया आंटी। हाँ मैंने मारा है, क्या कर लोगे? उसके बाप को भी मैंने ही मारा है। सारे गवाहों और सबूतों को देखने के बाद अपराधी वरलक्ष्मी के ऊपर सारे अपराध साबित होते हैं। उसकी सारी चल अचल संपत्ति को कब्जे में लेने के लिए ईडी को ऑर्डर दिया जाता है और जल्द से जल्द वरलक्ष्मी को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को आदेश दिया जाता है। मेरी आंखों के सामने तूने एक इंसान की जान ले ली, तुझे सजा नहीं दिलाऊंगा, ऐसा तूने सोचा कैसे? मैडम थोड़ा सा पीछे जाइए। वरलक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी और आखिर में भाग्यलक्ष्मी भी चली गई। चलो जनता के लिए अच्छा हुआ, आप लोग ऐसे ऐसे ऊपर जाते हैं। अगर ऐसे ऐसे स्कैम, हत्या, खून करेंगे तो तुम्हें अंदर डाल देंगे और वही तुम्हारी असली जगह है। इतने करोड़ों रुपए लगा दिए लेकिन इतना छोटा सा लॉजिक भूल गई। बापरे, मैडम व्हाट इज दिस? अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, जेल के अंदर रहकर भी तुझे मरवाने की ताकत रखती हूँ। अरे ऑल द बेस्ट। यस।